3, 2, 1, लाइव। गुड आफ्टरनून ऑल। सभी डॉक्टर्स का इस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम मेडिकल कंसेप्ट्स इन हिंदी में मैं प्रशांत सारडा फ्रॉम मैनकाइंड फार्मा मेडिकल अफेयर्स सबका स्वागत करता हूँ। मेडिकल कंसेप्ट्स इन हिंदी द्वारा प्रायोजित क्लिनिकल डायबिटीज मैनेजमेंट में कौशल संवर्धन इंसुलिन थेरेपी पर सर्टिफिकेट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। कोर्स शुरू होने के पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस कुछ मैनकाइंड के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड आज के तारीख में इंडिया में नंबर 4 पोजीशन पे द यंगेस्ट इन टॉप 5 ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट। पिछले 5 वर्ष से मैनकाइंड फार्मा 19% से ग्रो कर रहा है और मैनकाइंड फार्मा के पास मोर देन 15,000 फील्ड फोर्स है जो इंडिया के नॉट ओनली अर्बन बट रूरल के भी फिजिशियंस को पर्सनली जाके मिलते हैं। पिछले 15 वर्ष से आपके सभी दुआओं के कारण हम आज मैनकाइंड फार्मा वी स्टैंड एट नंबर 1 इन प्रिस्क्रिप्शन सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के कोर्स डायरेक्टर डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल जो हार्मोन रोग विशेषज्ञ है हार्मोन केयर एंड रिसर्च सेंटर गाजियाबाद में। डॉक्टर पंकज अग्रवाल संस्थापक भी है मेडिकल कंसेप्ट्स इन हिंदी प्रोग्राम के। डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल ने बहुत सारे शोध निबंध थायराइड ग्रंथि पे रक्त एवं लिम्फ विज्ञान एवं एमसीएच मैनुअल ऑफ क्लिनिकल डायबिटीज के भी लिखे हैं। वो प्रधान सॉरी फॉर द संपादक भी रहे हैं। इंटरप्शन, योर स्क्रीन शेयरिंग इज नॉट ऑन। जस्ट अ मिनट। अभी दिख रहा है? हाँ सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के कोर्स डायरेक्टर डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल जो कि एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ है। वे संस्थापक भी है मेडिकल कंसेप्ट्स इन हिंदी के। उन्होंने थायराइड ग्रंथि पे रक्त एवं लिम्फ विज्ञान एवं एमसीएच मैनुअल एंड क्लिनिकल डायबिटीज पे बहुत सारे शोध निबंध लिखे हैं। वो प्रधान संपादक भी है जर्नल ऑफ मेडिकल कंसेप्ट्स इन हिंदी के। ही इज द कोर्स डायरेक्टर ऑफ ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेस डायबिटीज हाइपरटेंशन। वो उन्होंने 26 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र लिखे हैं एज अ लेखक। वो प्रधान शोधकर्ता भी है 29 अंतर्राष्ट्रीय एवं 5 राष्ट्रीय शोध पत्र के और विश्वविद्यालय परीक्षक भी है फॉर डीएम एंडोक्रिनोलॉजी कोर्स के लिए। विद दिस आई वेलकम डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल सर। मेडिकल कंसेप्ट्स इन हिंदी एक संस्था है जो इंसुलिन थेरेपी पर एक सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित किया है। ये पूरा 5 मॉड्यूल का कोर्स है। आज पहला मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है और इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रामदास शिंदे जो संस्थापक सदस्य है मेडिकल कंसेप्ट्स इन हिंदी के, डॉक्टर संध्या गौतम जो आचार्य एवं इंचार्ज हार्मोन रोग विभाग लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के। इस मॉड्यूल में हम इंसुलिन का इंट्रोडक्शन और उसके इंडिकेशंस, इंसुलिन की सलाह देने के पूर्व जानने योग्य आवश्यक तथ्य परिस्थितियां जहां इंसुलिन का प्रयोग आवश्यक है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। विद दिस मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर रामदास शिंदे सर को टू टेक ओवर दिस कोर्स। ओवर टू यू सर। यस सर, थैंक यू मैनकाइंड फार्मा एंड ऑल टीम मेंबर्स। आई पर्सनली लव मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा का एक मोटो है, मोस्ट क्वालिटी ड्रग्स और प्रोडक्ट्स इन मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। उनका जो डीएमएफ है, ड्रग मास्टर फाइल, दैट इज अ क्वालिटी फाइल, वो सबमिट करते हैं और मेंटेन करते हैं। सो आई रियली लव ऑल मैनकाइंड फार्मा एंड टीम मेंबर्स। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर रामदास, एमसीएच का पुराना सेवक। आज के सेशन में आपको सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय पंकज सर को प्रणाम करता हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कोर्स का मॉनिटर चुना। वैसे भी शिंदे नाम के महाराष्ट्र में अच्छे दिन चल रहे हैं। अभी डॉक्टर एकनाथ शिंदे वहाँ पे मुख्यमंत्री है और मैं यहाँ पे इसका मॉनिटर हो गया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस। आज के हमारे साथ 3 विशेषज्ञ जुड़े हैं हमारे साथ, उसमें 2 फैकल्टीज है और एक कोर्स कोऑर्डिनेटर भी है। आज के कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संध्या गौतम मैडम है।
संध्या गौतम मैडम मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के हार्मोन इंस्टीट्यूट हार्मोन विभाग में आचार्या और इंचार्ज भी है। मैडम आपका स्वागत, प्रणाम और साधुवाद। हमारे आज के फैकल्टीज में डॉक्टर अनुभव वर्मा मैडम है, वो प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में आचार्य है। मैडम आपका भी मनपूर्वक स्वागत और प्रणाम। हमारे दूसरे फैकल्टीज है डॉक्टर अशोक कुमार सर, वो गाजियाबाद के संतोष मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग से आचार्य और उपाध्यक्ष है। सर आपका भी स्वागत और प्रणाम। अब मैं माननीय संध्या गौतम मैडम को आगे का सूत्र संचालन करने के लिए प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ। प्लीज मैडम। डॉक्टर अनदाश, शायद डॉक्टर हाँ सर। संध्या अभी पहुंचते ही नहीं है, तो अच्छा मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अनुभा से कि जो कार्यक्रम है इंसुलिन थेरेपी के ऊपर, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों है, किस प्रकार से ये हर किसी को जानना चाहिए, तो दो शब्द इसके ऊपर बोल के और फिर आप हमें आदेश दीजिए तो हम कार्यक्रम आरंभ करें। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। पहले तो आप सभी लोगों का कि हमें इस प्रोग्राम में जुड़ने का मौका दिया, और ये कितना महत्वपूर्ण है। ये तो आपने जैसे ही कोर्स का मॉड्यूल का नाम सुना, इंट्रोडक्शन एंड इनिशिएशन ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन के बारे में बहुत ही भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, न केवल हमारे पेशेंट्स में बट हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर्स में। तो हमारे आज के जो मॉड्यूल, जब डॉक्टर पंकज सर इस पे विषय पे बात करेंगे, तो उससे कम से कम हमारे सभी डॉक्टर्स जो जुड़े हुए हैं उनकी भ्रांतियां रूल आउट की जा सकती हैं कि इंसुलिन कब देना है, इंसुलिन के क्या दुष्प्रभाव है, और इंसुलिन के क्या इंडिकेशंस हैं कि जब जहां जरूरी ही देना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमको आज जानने को मिलेगा। तो आज हम अब हम सीधे डॉक्टर पंकज सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह प्रोग्राम का को शुरू करें और हमें इंसुलिन के बारे में ज्ञान कराएं, जिससे हमारी भ्रांतियां और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट उसमें आएंगे, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर अनुभा, डॉक्टर रामदास और मैनकाइंड फार्मा की पूरी टीम। आप सबका बहुत बहुत आभार कि जो हमारे इस एक प्रस्ताव पे और सब लोगों ने, आप लोगों ने आना, जुड़ना और इस कार्यक्रम के संचालन और इसको पूरा का पूरी इसकी रूपरेखा बनाने में हमारा मदद की। देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है हमारी मेडिकल साइंस में कहें या किसी भी और साइंस में, जीवन का ही एक मंत्र है कि हमें अपने आप को और अधिक बेहतर बनाना। उसके लिए हमें किसी न किसी ज्ञान की आवश्यकता है और यह कहा गया है शास्त्रों में कि विद्या और इस ज्ञान के समान कोई इससे बढ़कर नहीं, इसके के समान कोई और बंधु नहीं है, भाई नहीं है, कोई सुहृद नहीं, हमारे परिवार जना नहीं, इसके समान कोई धन नहीं है, और जो इसको प्राप्त करता है वही सुखी रहता है। हम और आप चिकित्सक हैं, तो चिकित्सकों के लिए अपने आप को अपडेट करते रहना बहुत आवश्यक है। तो उस अपडेशन के लिए वही जो अपडेटेड होगा वह सुखी होगा, उसको आनंद का अनुभव होगा, यह हमारा मूल मंत्र है। और भगवान से, माँ सरस्वती से यह प्रार्थना करते हुए कि वह हमको ज्ञान की देवी, उस ज्ञान की ओर ले चले, यही आज के कार्यक्रम का आरंभ हम यही से करते। लेकिन इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, जो हमारे शास्त्रों में दूसरा बात कही गई है कि ज्ञान उसी को मिलता है जिसको ज्ञान के प्रति श्रद्धा हो, तो बहुत आवश्यक है। अब इतनी तपती गर्मी में एसी में सोना कितना आनंददायक है, लेकिन आप लोग साथ अगर लगे बैठे हैं तो यह इसका अर्थ क्या है कि हम ज्ञान के प्रति, हम कुछ सीखने, कुछ जानने, कुछ डिस्कस करने के प्रति हम श्रद्धावान भी हैं, हम तत्पर हैं, उसके लिए रेडी हैं। और संयत इंद्रिया, हमारी इंद्रिया, इंद्रिय, एक इंद्रिय के लिए सो जाओ, दूसरी के लिए आराम कर, तीसरी के लिए नहीं, उठ के बैठ और चल कुछ डिस्कस करें साथ। तो जिसका इंद्रियों पे अपने संयम है वही ज्ञान प्राप्त करता है, और इसी ज्ञान की प्राप्ति से ही परम सुख और शांति प्राप्त होती है। तो हम लोग फिर
माता सरस्वती से इसकी आराधना करते हुए कि हम लोग इस ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति तत्पर हों, तत्पर होना होगा, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है, हमको कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। अब ये सिंह है, मृग को पकड़ना चाहता है, इसको प्रयास करना होगा, अगर ये सो गया तो इससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो उस प्रयास पे और हम और आप निरंतर लगे रहें, यही पुनः हमारी प्राप्ति। फिर ज्ञान के दो रूप होते हैं, एक पुस्तकीय ज्ञान और एक है क्लिनिकल ज्ञान। हम लोगों के लिए, विशेष तौर से क्लिनिशियंस के लिए, यह बहुत आवश्यक है कि जो हम लोगों ने सीखा जाना वो केवल किताबी ना रहे, उसको हम अपने क्लिनिक में प्रयोग में ला सकें। तो जो स्किल इंडिया मिशन चल रहा है, क्लिनिकल पर्सनल डिसीजन चल रहा है, इसी कड़ी में हम लोगों ने जो यह एक श्रृंखला आरंभ की है, जहां पे हम अपनी क्लिनिकल नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। तो जो क्लिनिकल दक्षता पाने के लिए, क्लिनिकल कौशल पाने के लिए, क्योंकि गीता जी ने क्या कहा, यह है योग। योग जो आजकल का योगा है, ये अलग चीज है। योगा इज समथिंग वेरी फिजिकल, लेकिन जो योग है, योग वो मन से, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, और वह क्या है, कर्मों में कुशलता, यही योग है। यदि हमें और आपको योग से जुड़ना है तो क्या करना है, हमें एक कुशल, एक दक्ष चिकित्सक बनना है, और इसी प्रयास में हम लोग आज जुड़े हैं। जो हमारा मिशन है मेडिकल कंसेप्ट इन हिंदी, वह भी इसी की तरफ अग्रसर है। इस किताबों में थ्योरी कम और थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा है, जो हमारी उन पुस्तकों में, जो हमारे जर्नल में, जिसने आप हमारे साथ फैकल्टी मेंबर्स देख रहे हैं, हम इनके बहुत आभारी हैं कि ये इसमें नियमित रूप से ये लोग अपना योगदान देते रहते हैं इस जर्नल के लिए, जिसको हम लोग प्रत्येक महीने निकालते हैं, और अब तक इसके 22 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। तो थायराइड और डायबिटीज की ओरल ड्रग पे जो दो पुस्तकें हमारी मुख्य आई हैं, उनके बाद अब तीसरी पुस्तक जो पाइपलाइन में है, अभी तैयार हो रही है, वह है एमसीएच मैनुअल ऑफ क्लिनिकल डायबिटीज का भाग दो, इंसुलिन थेरेपी से। और इसी इंसुलिन थेरेपी से जो संबंधित जितना भी डिस्कशन है, वह हम लोग आज अपने इसी इंसुलिन थेरेपी के सर्टिफिकेट कोर्स में करें। तो मित्रों, जो आरंभ में एक बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यह कोई थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं है, हम इसमें इंसुलिन से संबंधित कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, हम एक प्रैक्टिकल कोर्स है और प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे क्लिनिक में, चाहे वो क्लिनिक हमारी किसी इंस्टीट्यूट की हो, और चाहे हम किसी गांव में बैठ के अपनी एक छोटी सी क्लिनिक में काम कर रहे हैं, हम इस ज्ञान का उपयोग वहां किस प्रकार से कर सकते हैं। और मैनकाइंड फार्मा का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ढूंढ ढूंढ के और ऐसे बेहतरीन एक ग्रुप से हमारा परिचय कराया है, एक ग्रुप से जोड़ा है हमें, जो देश के दूर दूर भागों में स्थित है। और मैंने जब उनके इंट्रोडक्शन पढ़े तो मैं वास्तव में बड़ा अचंभित था कि उसमें से अधिकांश लोग, वह सीखने जानने के प्रति उन्होंने कई अनेक सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं, कई फेलोशिप किए हैं। तो यह एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, और यह मुझे भी एक उत्साह देने वाला है कि ना, अच्छा काम करो, क्योंकि ग्रुप सामने जो बैठा है वो बहुत अच्छा है, और उसके लिए हमें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन को लाना है, जिसको कि हम अपनी क्लिनिक में प्रयोग में ला सकें, केवल किताबी रूप में ना। इसमें हम लोग क्या-क्या बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, इंसुलिन, इंसुलिन की आवश्यकता क्यों है, यदि हमें यह पहचानना है कि यहाँ पे इंसुलिन देनी है और यहाँ इंसुलिन नहीं देनी, जहां इंसुलिन देनी है वहां पे उसे कब देना है, किस प्रकार के रजीम में देना है, कैसे आरंभ करना है, कैसे उसकी डोजेस को घटाना बढ़ाना है, और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार उस इंसुलिन को कैसे एक रजीम से दूसरे रजीम में परिवर्तित करना। तो सारी प्रैक्टिकल बातें, जिसके लिए एक स्लोगन एक हमारे मित्र ने सुझाया था कि किताबों में जो लिखे नहीं और कॉलेज में हमने पढ़े नहीं, यह बातें हम लोग इस सेशन में करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या आता है, इंसुलिन क्यों, क्या इंसुलिन की वास्तव में आवश्यकता है, तो इस चीज के लिए इसमें लगा दीजिए। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्लिनिकल केसेस के माध्यम से कि इंसुलिन की आवश्यकता कहाँ का। यदि हम आपसे पूछें कि यह एक केस आपके सामने आए जिसकी फास्टिंग 212 हो और पीपी 293 हो, आप इसे इंसुलिन देना चाहेंगे या नहीं,
आप अपने मन में अपना डिसीजन सोचिए कि आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, या अभी आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इसको इसमें दी जाए या ना दी जाए। कई लोग सोच रहे होंगे कैसा बेवकूफी भरा प्रश्न है, शुगर लेवल बता दी, क्या इससे हम यह उत्तर दे सकते हैं इंसुलिन दे या ना दे। हमें इसके साथ में बहुत सारी बातें मालूम होनी चाहिए, और आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि डायबिटीज का इलाज ग्लूकोज का इलाज नहीं है, वो डायबिटीज से प्रभावित व्यक्ति का उपचार है, और उसको केवल ग्लूकोज के वैल्यू पे नहीं जाना चाहिए। तो आपने मुझे मेरी गलती को बताया, मैंने गलती सुधारी, और अब हम आपके पास कुछ जानकारियों के साथ। 49 साल का व्यक्ति जिसे 3 वर्षों से डायबिटीज है, 8.3 HbA1c, अब इसकी ये वैल्यूज हैं, अब आप क्या कहते हैं, इसको हम इंसुलिन दें या ना दें। अच्छा, थोड़ा सा इसमें बदलाव ले आते हैं। यह व्यक्ति तो मेटफॉर्मिन 2000 मिलीग्राम प्रतिदिन ले रहा था। हम दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं जिसको समान उम्र का है, 13 वर्ष से डायबिटीज है, HbA1c 10.3 है, और ये ग्लिनिपराइड, मेटफॉर्मिन, टेनिलग्लिप्टिन, दापाग्लिज़ोलिन, पाइरिडिन, जितनी तरह की दवाएं उपलब्ध है, यह सब ले रहा है। HbA1c 10.3 है, 13 वर्ष से डायबिटीज है, इसमें से इंसुलिन की आवश्यकता किसको है, दे या ना। अब प्रश्न सही है और इसका उत्तर आप समझ सकते हैं। आप निश्चित रूप से कहेंगे कि ऊपर वाले व्यक्ति को इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी एक दवा दी है, अभी वहां पर दवाएं भी बहुत सारी हैं और बाकी कुछ पैरामीटर्स है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, नीचे वाले व्यक्ति के साथ कहें, 5-5 दवाएं फुल डोजेज में देने के बाद भी अगर हम सोच रहे हैं कि इंसुलिन दें या ना दें, तो शायद ये सोच कुछ ज्यादा संकोच वाली सोच है, हमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो इंसुलिन देने ही देने। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जो अनियंत्रित डायबिटीज के साथ आ रहा है, उसको इंसुलिन देने की आवश्यकता है या नहीं है, यह भी हमें पहचानना है। तो आज का हम लोग आगे का समय इसी पर हम लोग डिस्कशन में बिताएंगे कि किसी व्यक्ति को इंसुलिन देने की आवश्यकता कितनी है, वह व्यक्ति को हम इंसुलिन दे या ना। चलिए, इसके लिए हमें बहुत सारे बिंदुओं की आवश्यकता। जब ये बिंदु हमें मालूम होंगे, तभी हम उनके आधार पर यह बेहतर चयन कर पाएंगे कि इस व्यक्ति को इंसुलिन की आवश्यकता कितनी है। तो एक-एक करके डिस्कस करते हैं। हमने एक क्वेश्चनेयर इन ग्रुप्स में फ्लोट किया था कि किसी व्यक्ति को उसकी आयु, वजन, कितना वजन में परिवर्तन आया, ग्लाइसेमिक नियंत्रण, डायबिटीज कब से है, और कौन कौन सी दवाएं ले रहा है। इसके आधार पे हमारे पास अब तक लगभग 950 के आसपास सदस्य हैं इसमें जो रजिस्टर्ड है, और उनमें से अभी केवल 321 के रेस्पॉन्स मुझे 1 बजे तक प्राप्त हुए थे। तो 321 में लोग में अधिकांश लोगों ने ग्लाइसेमिक कंट्रोल को ही पैरामीटर माना है इंसुलिन शुरू करने का, कि 89.1% लोगों ने कहा कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल अगर नहीं है तो हम इंसुलिन देंगे। हाँ, ये वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या एज, वेट, वेट चेंज, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, यह भी इंपॉर्टेंट है? ये 50% से कम लोगों ने ही इसकी तरफ ध्यान दिया है। इन बिंदुओं को डिस्कस करने की आवश्यकता इसका अर्थ ज्यादा है। हम आयु को लेकर बात करते हैं। हमारे पास 3 डायबिटिक व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति 9 साल, एक की 29 साल, एक की 79 साल। अब इनमें से डायबिटीज की आवश्यकता सेम पैरामीटर्स पे अगर 212 और 293 शुरू अगर हो तो किसको हो? देखिए, यहाँ पे आप इसको तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये टाइप 1 डायबिटिक है, इसको तो हमें डायबिटीज में इंसुलिन देनी ही देनी। लेकिन अगर हमारे सामने ये 2 पेशेंट, ये बहुत आवश्यक है, डॉक्टर अशोक और हम अभी सुबह एक दूसरी मीटिंग में थे और वहां पे यही डिस्कस कर रहे थे कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज जितनी कम आयु में हुई, इसका अर्थ यह है कि डिजीज हमारे शरीर पे, हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पे उतनी अधिक हावी है। कम उम्र पे डायबिटिक हो जाना, इसका मतलब हमारे सारे कंपेंसेटरी मैकेनिज्म उस वक्त तक फेल हो चुके हैं और डिजीज ने हमको पकड़ लिया। तो डिजीज प्रोसेस 29 ईयर ओल्ड व्यक्ति में जिसको अभी डायबिटीज हुई, उसमें बहुत फास्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पोटेंट है बनिस्बत की जो उम्र पे जाके हो रही है। अब शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आयु के साथ सारी चीजें बढ़ती हैं, तो इस आयु में होना
में आता है, जल्दी हो रहा है तो डिजीज एग्रेसिव है, हमें भी एग्रेसिव होना होगा। तो अगर हम आयु के आधार पर निर्धारित करें तो यह तो एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, टाइप 1 डायबिटीज है और हमें इसको इंसुलिन देनी है। लेकिन अगर एक यंग एडल्ट को डायबिटिक हुई है तो हम इंसुलिन दे या ना दे, लेकिन इतना जरूर है कि हमें बहुत एग्रेसिव होना है, हमें उसको ढीलम ढाल में नहीं लेना, हमें उसको लापरवाही में नहीं लेना, क्योंकि नंबर 1 यहाँ पे डिजीज प्रोसेस पोटेंट है, सीवियर है, डेंजरस है, और नंबर 2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी काफी ज्यादा है। इस व्यक्ति को लगभग 50 साल अभी चलना है, तो अगर हमने अभी अच्छा कंट्रोल नहीं रखा तो हमें आगे जाके दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे ग्लाइसमिक कंट्रोल प्राप्त करने के लिए यदि हमें जल्दी भी इंसुलिन देनी पड़े, एक तो मजबूरी होगी कि डिजीज प्रोसेस ही तेज है, तो ये काफी संभावना है कि इसमें हमें जल्दी इंसुलिन की आवश्यकता पड़े। उसके अतिरिक्त हमें इसलिए भी ढील नहीं देनी क्योंकि हमने जितना अनकंट्रोल छोड़ा उतना आगे हानि होगी। हाँ, अगर बहुत ही ओल्ड एज का व्यक्ति है और कहा जाए यहाँ पे आपकी अप्रोच क्या होगी, यहाँ पे हमारी अप्रोच इतनी अग्रेसिव नहीं होगी, यहाँ पे हम थोड़ा सा शांति से चलेंगे, तो यदि इंसुलिन का प्रश्न हो तो हम यहाँ कहेंगे पहले वो वाली दवाएं को चयन कर लें जिनसे हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना कम है। तो इस प्रकार से एक कम उम्र के व्यक्ति में और एक अधिक उम्र के व्यक्ति में हमारी अप्रोच में थोड़ा अंतर होता है। हमें ओल्ड एज में हमें हाइपोग्लाइसीमिया बचाना है, कोमॉर्बिड स्टेट्स का भी ध्यान में रखना है, और यंगर एज में जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है हमें बहुत एग्रेसिव होना है, पहले दिन से एग्रेसिव होना है। तो यदि इन दोनों में बात की जाए तो हो सकता है ओल्ड एज वाले व्यक्ति में और आगे चल के हमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़े, लेकिन यंग एज में डायबिटीज होने पे थोड़ा पहले ही हमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। एग्रेशन हमें ओल्ड एज में अवॉइड करना है। RSDI की बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि पहले वो वाली मेडिसिन दीजिए जिसमें ओल्ड एजेस के साथ में जिसमें हाइपो नहीं होता, फिर उस पे जाइए जो हाइपो कर सकती हैं, जिनसे साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, और इंसुलिन को थोड़ा सा हाथ रोक के चलिए, उतना एग्रेसिव मत होइए। तो यह हमें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अप्रोच रखनी है। तो हमारा जो पहले एक अप्रोच थी ग्लूकोज सेंट्रिक, या हम ग्लूकोज को ठीक करने पर लगते थे बाकी चीजों को भूल के, आज हमारी अप्रोच है पर्सन सेंट्रिक अप्रोच, कि हम व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को उसके अनुसार कौन सी दवा का चयन करें, किस कितना एग्रेशन के साथ कितने किस प्रकार की दलील हम चुने, यह व्यक्ति के आधार पर निर्धारित करना है। और व्यक्ति के आधार पर एक दूसरा प्रश्न आता है वेट का। चलिए फिर हम दो संभावनाएं लेते हैं, एक व्यक्ति जिसका अभी का वजन 47 है, दूसरे का है 87, और दोनों को ही अनियंत्रित डायबिटीज रहने से और काफी समय में काफी वेट लॉस कर चुके हैं। अब इसमें आप किसको देना चाहेंगे इंसुलिन? बहुत आवश्यक है इस बात को समझना कि वेट लॉस का अर्थ क्या है। वेट लॉस का अर्थ यह है कि हमारे जो ग्लूकोज का मैकेनिज्म है, जो हाइपरग्लाइसीमिया है, वह हमारे शरीर पे हावी है, कैटाबॉलिक फेज में है। कैटाबॉलिक फेज किसमें होती है? सारे काउंटर रेगुलेटरी हॉर्मोन्स में होती है, इंसुलिन के अगेंस्ट चलने वाले हॉर्मोन। कौन कौन? ग्लूकोगन सबसे पहले, लेकिन उसके बाद सारे हॉर्मोन्स एंटी इंसुलिन होते हैं बॉडी के, सभी इंसुलिन के प्रभाव को दबाते हैं और जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, कैटेकोलामीन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्रोथ हार्मोन, ये सब काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है। इसका मतलब अगर वजन घट रहा है तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन हावी हो रहे हैं, कैटाबॉलिक हार्मोन हावी हो रहे हैं, और हमें एनाबॉलिक हार्मोन को देके उनकी बदमाशी को शांत करना। तो यदि बहुत लो वेट का व्यक्ति है, वेट लूज कर रहा है अभी भी, तो हमें एक एनाबॉलिक एजेंट के तौर पे इंसुलिन आरंभ करने के प्रति बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। एक बहुत ओबीज व्यक्ति है और इस पहले और भी अधिक ओबीज था और अभी भी 11 किलो उसका वजन कम हो चुका है, तो कई मरीज हमारे पास आते हैं जो कि दुबले से हुए रहते हैं इस बात से कि डॉक्टर पहले तो अच्छी सेहत थी, अब तो थोड़े कमजोर हो गए। अरे भाई अभी भी 87 के हो? नहीं, डॉक्टर
बहुत कमजोर हो गए। तो वो डेफिनेटली 11 किलो वजन घटना गड़बड़ है, लेकिन अभी भी पेशेंट ओवरवेट है, तो हमें ध्यान रखना है कि यह ओवरवेट व्यक्ति में इंसुलिन रेजिस्टेंस अधिक होता है, तो यहाँ हमें इंसुलिन सेंसिटाइजर की ज्यादा आवश्यकता है, बजाय कि इंसुलिन डेफिशिएंसी को ठीक करने वाली सल्फोनिल यूरिया या इंसुलिन। तो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स का एक प्रॉपर यूज करते हुए तब हम इस प्रकार के व्यक्ति को ट्रीट करें। हाँ, इंसुलिन की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन यहाँ इस प्रकार के व्यक्ति में तो हमें मुख्य रूप से इंसुलिन का चयन करना होगा। तो हमारी जो डिफरेंट एसोसिएशन है उनकी रिकमेंडेशन क्या है? यदि ओवरवेट या ओबीज व्यक्ति हो, ओबेसिटी में विशेष रूप से अगर सेंट्रल ओबेसिटी एब्डोमिनल फैट ज्यादा हो, इसीलिए एक पैरामीटर जो हमारे डायबिटिक व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक है जानना, वो है एब्डोमिनल गट वेस्ट सरकमफेरेंस। तो वेट तो देखिए, वेट हमें ये बताता है कि ओवरऑल हमारी पोजीशन क्या है, लेकिन वेट के अतिरिक्त हम पेशेंट को देखें और उसकी वेस्ट मेजरमेंट देखें। पुरुषों में 90 सेंटीमीटर, महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है, भारत की बात कर रहे हैं, विदेशियों की नहीं। तो वह सेंट्रल ओबेसिटी का लक्षण है, और ऐसे में हमें विशेष रूप से मेटफॉर्मिन, SGLT2 इनहिबिटर, GLP-1 एनालॉग, इनका चयन करना है। मेटफॉर्मिन के प्रति मैं हमेशा अपने हर सेशन में एक चीज का जिक्र जरूर करता हूं, हम लोग मेटफॉर्मिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एवरी इंडिविजुअल, ये पढ़ने के बाद जब लिखते हैं तो क्यों नहीं याद रहती है? हम मेटफॉर्मिन को बहुत अंडर यूज करते हैं, और हम लोग बड़े सल्फोनिल यूरिया सेंट्रिक और सल्फोनिल यूरिया प्रेमी डॉक्टर्स हैं। हमारे पेन से 100 किलो के व्यक्ति को भी सल्फोनिल यूरिया जितने धड़ल्ले से निकलती है, मेटफॉर्मिन ही निकलती। तो मेटफॉर्मिन, SGLT2 इनहिबिटर, GLP-1 एनालॉग, इनको प्राथमिकता दें जब भी हम कभी किसी ओबीज ओवरवेट इंडिविजुअल को देख रहे हैं। और यही हमारी रिकमेंडेशंस, हमारी एसोसिएशंस भी हमको समझाती हैं कि जो वेट लॉस करने में हेल्प करें उनको प्राथमिकता दो, जो वेट न्यूट्रल है, जो वेट गेन करा सकती हैं, वेट गेन करा सकने वाली को थोड़ा बैक स्टेज करें। तो यदि कोई व्यक्ति ग्रॉसली ओबीज है, हाँ वेट लूज कर रहा था, तो हो सकता है हमें अभी कैटाबॉलिक फेज को शांत करने के लिए टेम्परेरली इंसुलिन देनी हो, लेकिन यहाँ पे हमें मेन रिलायंस उन ड्रग्स पे रखना चाहिए जो हमें वेट रिड्यूस करने में मदद करते हैं या कम से कम वेट न्यूट्रल है। आइए एक और बिंदु की चर्चा करते हैं, डायबिटीज किसने समय से है। यही व्यक्ति हमारे पास 3 वर्षों की डायबिटीज के साथ आता है, और यही व्यक्ति हमारी बहुत लंबी डायबिटीज 18 वर्षों की डायबिटीज के साथ आता है। इनमें से दो व्यक्ति हैं अगर, तो इंसुलिन की आवश्यकता किसको ज्यादा होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हम लोग डायबिटीज की डायग्नोसिस जब हम लिखते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन पे मेरा यह मानना है बहुत आवश्यक है कि हम लिखें डायबिटीज कब से, टाइप 2 डायबिटीज फॉर लास्ट 3 ईयर, फॉर लास्ट 19 ईयर, क्योंकि यह हमें बताती है कि डायबिटीज में हमारा व्यक्ति उसकी इंटरनल स्टेटस क्या होगी। जितनी पुरानी डायबिटीज होती जाती है उतना हमारा जो बीटा सेल रिजर्व है वो कम होता जाता है। तो बीटा सेल रिजर्व प्रति वर्ष 5 से 7% बीटा सेल हमारी समाप्त होती जाती है, 5 से 7। तो जब डायबिटीज हुई थी उसी समय 50% बीटा सेल तो हम मान के चलते हैं खत्म हो गई, और 5 से 7% बीटा सेल अगर हर साल जा रही है तो 5% के हिसाब से 10 साल में, 7% के हिसाब से 7 साल में, तो 7 से 10 साल में लगभग 90% लोगों की बीटा सेल्स हमारी चल बसती हैं। तो इसमें ओरल ड्रग्स कैसे काम करेंगी, विशेष रूप से सल्फोनिल यूरिया कैसे काम करेगी? तो यदि हम व्यक्ति जिसको देख रहे हैं 10 साल से पुरानी डायबिटीज है, 18 वर्ष से है, यहाँ पर निश्चित रूप से हमें इंसुलिन की आवश्यकता ज्यादा होगी, क्योंकि एंडोजेनस इंसुलिन रिजर्व नहीं बचा होगा। और जो यंग स्टेजेस ऑफ डायबिटीज, अर्ली ऑनसेट डायबिटीज है, अभी रिसेंटली डायग्नोज डायबिटीज है, या लेस देन 5 ईयर की डायबिटीज वाली डायबिटीज है, तो ऐसे व्यक्तियों में अब हम ये मान के चलते हैं कि अभी हमारा एंडोजेनस इंसुलिन रिजर्व अभी होना चाहिए, तो यहाँ पे हम अभी डिफरेंट ऑप्शन ओरल ड्रग्स की ट्राई करें। तो एज में, यंगर द एज ऑफ ऑनसेट, हमें ज्यादा एग्रेसिव होना है, इंसुलिन के प्रति विचार ज्यादा करना
तेजी से करना है। वेट में जितना कम वेट हो, जितना वेट लूज कर रहा हो, इंसुलिन की आवश्यकता उतनी अधिक होती है। और ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज में जितनी पुरानी डायबिटीज हो चुकी हो, प्रति वर्ष बीटा सेल्स कम होती जा रही हैं, तो यहाँ डायबिटीज मालूम पड़ी। और देखिए 10 साल के बाद बीटा सेल्स बहुत कम बचती हैं और इस समय हमें अक्सर इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से केवल ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज के अतिरिक्त कुछ और पैरामीटर्स भी हैं जो हमें इंसुलिन देना है नहीं देना है, इसका चयन करने पे हमें विवश करते हैं। और इसके साथ में मैं अपने साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, अभी डॉक्टर अशोक हैं, डॉक्टर अनुभा हैं, और शायद डॉक्टर संध्या गौतम जुड़ चुकी है हमारे साथ क्या? नहीं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस बिंदु पे आप लोग थोड़ा प्रकाश डालें कि इंसुलिन के इंडिकेशंस में इन चीजों की कितनी उपयोगिता है। मैडम जी, धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि इंसुलिन का दोनों केसेस में ही इंसुलिन का उपयोग कब की कब आवश्यकता होती है। मेरा मानना है कि हर मरीज को जो हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 का, तो हम सबको पता है कि भाई इंसुलिन इज द ओनली मैनेजमेंट एज ऑफ नाउ। बेसल बोलस रेजिमेन ही है और इस पेशेंट को हमें काउंसिल भी करना है मतलब कॉस्ट को देखते हुए, और एजुकेट करना है रिगार्डिंग द इंसुलिन मैनेजमेंट। बात आती है कि हमारा इंसुलिन का प्रयोग हमारे टाइप 2 के मरीजों में कब किया जाए। तो जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों केसेस में बताया, और आपने सारी ADA की और RSSDI की गाइडलाइंस के होते हुए बताया कि सिर्फ ग्लूकोज सेंट्रिक अप्रोच नहीं है, कि ग्लूकोज का शुगर लेवल 200 है या फास्टिंग 150 है, 200 250 पोस्ट प्रांडियल है। ज्यादातर लोग हमारे पास यही आते हैं कि हमारा शुगर इतना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है पर ठीक है। HbA1c कराइए तो 8 9 10 ऐसी पिक्चर आती है। तो क्या हम इतने पे ही संतुष्ट हैं एज अ डॉक्टर? यह प्रश्न हम सभी को सोचना चाहिए। ये जो पेशेंट्स आते हैं, सिर्फ ग्लूकोज के लेवल से हमें उनका मैनेजमेंट नहीं करना है, बल्कि उनकी उम्र, उनकी कोमॉर्बिडिटीज, कितने साल का ड्यूरेशन है डायबिटीज का, किडनी का क्या हाल है, लिवर का क्या असेसमेंट है, ये सारे पैरामीटर्स, वेट का क्या असेसमेंट है, ये भी पैरामीटर्स हमें हर विजिट पे चेक करना है और उस हिसाब से डिसाइड करना है। जो मैं पहले बोलना चाह रही थी, टाइप 2 के मरीजों को हमें स्टार्टिंग से ही काउंसिल करना चाहिए। इंसुलिन सिर्फ आखिरी की दवा नहीं है कि जब हमारे पास 3 ओरल एंटी डायबिटिक फेलियर हो, जैसे सर का पहला केस था कि 4 दवाइयां हैं अब वो कारगर नहीं है तो हमें इंसुलिन देना है। ये तो गाइडलाइन भी कहती है 3 OADs फेलियर के बाद हमें इंसुलिन पे जाना चाहिए। HbA1c 8.5 है, 9 है, इंसुलिन शुड बी एडवाइज एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जहां अलोंग विद इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, इंसुलिन की काउंसलिंग कैन बी डन शुरुआत में ही उनकी, कि इंसुलिन की हमें जरूरत पड़ सकती है, वेट कम हो रहा हो उस स्थिति में, कॉम्प्लिकेशन सेट इन हो रहा हो उस स्थिति में, और अगर कोई पेशेंट इंसुलिन स्टार्टिंग से ही लेना चाहे तो हम बिल्कुल ही जो नई इंसुलिन आती है बेसल इंसुलिन, उसको उस समय भी इनिशिएट कर सकते हैं मेटफॉर्मिन के साथ। जो हमारी एशियन पॉपुलेशन है, मेटफॉर्मिन जैसे सर ने शुरुआत में ही कहा, हमारी पहली दवा है जो एक इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जो टाइप 2 डायबिटीज का जो पैथोजेनेसिस को इफेक्ट करती है, उसे हमें शुरुआत में ही शुरू कर देना चाहिए। तो इंसुलिन मैडम इसके एक ऊपर हम लोग हॉर्मोन। अभी बात अभी आते हैं। ये जो हाँ जी आपने क्योंकि तो पिक्चर में अगर आगे की स्टोरी पहले बता दी जाए तो पिक्चर का मजा कम हो जाता है, इसलिए जी मैंने जी आपको जी बीच जी में जी इंटरप्ट जी किया। जी जी डॉक्टर अशोक, इसमें अभी तक की चर्चा के विषय में कुछ आपके उद्गार जो आप इसमें और जोड़ना चाहें अपने एक्सपर्ट कमेंट। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरलता से काफी अच्छे पॉइंट्स रखे और मुझे काफी खुशी है सर कि आपने इस टॉपिक को लिया इंसुलिन के बारे में बताना सर, क्योंकि
डायबिटीज के मैनेजमेंट में दो या तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सभी को पता है डाइट कंट्रोल, फिर एक्सरसाइज, और थर्ड रोल आता है मेडिसिन का। मेडिसिन में हमारे पास दो है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स और इंजेक्टेबल्स में इंसुलिन और नए इंजेक्टेबल्स। तो हमें इंसुलिन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और इसकी इंडिकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए कि कब हमें यूज करना है। आपने बहुत ही सरलता से बताया कि सर हमें डिफरेंट पैरामीटर सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया के अलावा भी देखने पड़ेंगे। ए उसकी उम्र हो गई मरीज की, उसका वेट वगैरह कैसा है, वेट लॉस कर रहा है, वेट गेन कर रहा है, या ओबीज, नॉन ओबीज, वेस्ट सरकमफ्रेंस, ये सब असेस करते हुए हमें करना है। और ऑब्वियसली ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली डायबिटीज में हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, पेशेंट भी लेना नहीं चाहेगा, लेकिन डायबिटीज अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में हो गई है तो जैसे डॉक्टर अनुबंध ने बताया कि फर्स्ट एनकाउंटर पे उन्हें बताना है कि इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। और इंसुलिन की कुछ डेफिनेट इंडिकेशन है वो सभी को पता होनी चाहिए कि जैसे टाइप 1 डायबिटीज हो गया या सीवर कैटाबॉलिक स्टेट विद HbA1c बहुत ज्यादा 9 या 10 के ऊपर चल रहा है, तो इंसुलिन, या पेशेंट हॉस्पिटलाइज है फॉर सम अदर रीजन लाइक इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिर मैं डायबिटीज, आपको तो उसमें इंटरप्ट करूं इंसुलिन यहाँ पे, मस्ट हो क्योंकि जाएगा। ये आगे की पिक्चर की कहानी है, इसको हम लोग थोड़ा समय और रुक के डिस्कस करते हैं। तो धन्यवाद यस सर, यस सर, आप तो काफी दोनों अच्छे से का। आपने बताया सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू ये सर। इसके धन्यवाद। तो इसके बाद के जो पहलू हैं जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम लोगों ने एज, वेट, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज को डिस्कस किया। अब हम ग्लाइसेमिक कंट्रोल या ग्लाइसेमिक अनकंट्रोल, जिसके विषय में अधिकांश हमारे मित्रों का ये था कि हमें इंसुलिन देनी कब है, जब अनियंत्रित डायबिटीज हो रही है। उस केस में तो नियंत्रण के दो पैरामीटर थे हम जानते हैं। एक है शॉर्ट टर्म जो कंट्रोल को बताता है ग्लूकोज वैल्यूज, एक है लॉन्ग टर्म जो कंट्रोल को बताता है HbA1c। और किसी भी एक के साथ में हमारा काम पूरी तरह से नहीं हो सकता, इसलिए हम दोनों को साथ साथ रख के और इसको रिव्यू करेंगे कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज की आवश्यकता कैसी है। 212/293 ये हमारी ग्लूकोज लेवल फिक्स है। एक व्यक्ति आया 7.9 के साथ, एक व्यक्ति आया HbA1c 10.9 के साथ। अब पहला प्रश्न तो है यहाँ पे यही जा सकता है, भाई ये कहीं ना कहीं लैब गड़बड़। अच्छा, हम क्लिनिशियंस बड़ी आसानी से लैब को गलत बता देते, लेकिन हमने क्या अपनी क्लिनिकल क्षमता का पूरा उपयोग किया? क्या ये संभव नहीं है कि 212/293 और 7.9 ग्लूकोज वैल्यू हो? ना ना ना, लैब गलत है। क्यों गलत है? कह रहे इतनी HbA1c पे शुगर इतनी नहीं होनी चाहिए। आपकी बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन व्यक्ति से हमने पूछा कि जब तुमने जांच कराई थी तो क्या स्थिति थी? हाँ साहब, मैं शादी में गया था और 3 दिन से दवा छूट गई थी और जरा बदतरीजी भी हो गई थी। ये तो शॉर्ट टर्म कंट्रोल बताता है ना। तो शॉर्ट टर्म कंट्रोल, 3 दिन दवा नहीं खाई, बदतरीजी का भोजन किया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, HbA1c अभी प्रभावित नहीं हुआ। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये अनकंट्रोल्ड रीसेंट ऑनसेट का है, और इसके लिए शायद हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड है, 6.5 का टारगेट लेके चलना है तो 1.4% HbA1c कम करना है, शायद देखें दवाओं में गुंजाइश हो कर ले। अच्छा, दूसरा व्यक्ति यही ग्लूकोज के साथ 10.9, इसका मतलब क्या है? यह आज भी बिगड़ा हुआ है और यह लंबे समय से बिगड़ा हुआ रहा। तो इस व्यक्ति पे भरोसा करना, जो भी दवाएं वो ले रहा है उन पर भरोसा करना, वह बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे हमें HbA1c बहुत थोड़ा सा कम करना है, और उसको कम करना ओरल ड्रग से संभव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर HbA1c बहुत कम करना है वह शायद संभव ना हो। अच्छा, जैसे हम लोगों ने ये कहा कि हाई ग्लूकोज वैल्यूज हैं और थोड़ा सा बढ़ा HbA1c है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि HbA1c बहुत ज्यादा हो, ग्लूकोज वैल्यूज ठीक हो? जैसे HbA1c 10.9 हो और ग्लूकोज वैल्यू हमारी हो 125 और 175। अरे ये कौन सी बात कह दी, ये कैसे हो सकता? फिर कहेंगे हम लैब गलत है, लेकिन नहीं, सोचिए। एक बार पेशेंट से कंफर्म करिए कि पेशेंट 10.9 HbA1c है, इसका अर्थ यह है कि पेशेंट बिगड़ा हुआ है, 3 महीने का एवरेज कंट्रोल खराब है, तो अभी उसकी शुगर 125 से 175 कैसे आ गई? क्या कारण हुआ भाई? हाँ डॉक्टर साहब, अभी तक तो हम दवा नहीं लेते थे, अब जरा दिक्कत होने लगी तो 1 सप्ताह से हमने दवा शुरू की। हाँ, तो हम दवा नहीं लेते थे तो HbA1c 10.9 पहुंच गया, लेकिन जब हमने दवा आरंभ की और
भाग्य से वो दवा हमारे लिए सुटेबल थी। अब ग्लूकोज वैल्यू 125 175 आ गई। अब हमने परहेज भी आरंभ किया, अब हमने एक्सरसाइज भी आरंभ की, तो जो चीज अनियंत्रित थी हम उसको हाल में हम नियंत्रण में ले आए। तो जब कभी भी हम लैब को गलत कह रहे हैं, कृपया अपनी क्लिनिकल क्षमता का उपयोग करिए, विवेक का प्रयोग करिए, और यह समझिए कि कहीं कुछ उससे संबंधित कोई हाल में फेरबदल तो नहीं हुई है। और यदि यही वैल्यूज है दोनों, तो ऐसे व्यक्ति को तो हमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ग्लाइसेमिक नियंत्रण या अनियंत्रण बहुत बड़ा पहलू है, और यह हमें इंसुलिन की आवश्यकता को बताता है। और हमें यहाँ पे यह भी समझना चाहिए कि हम अपनी जिन दवाओं को हम प्रयोग कर रहे हैं उनकी क्षमताएं क्या है। एक उमराव जान का गाना था, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार दर को गौर से पहचान ली। मतलब क्या हुआ कि जहां पे आपको रोज रोज आना है वहां के बारे में आपको वाकफियत होनी चाहिए। तो जो जिन दवाओं को आपको रोज रोज प्रयोग में लाना है तो उसके बारे में आपको जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए। इनकी पोटेंसी हमको मालूम होनी चाहिए कि यह तीन दवाएं हैं जो बहुत माइल्ड एजेंट्स हैं, जो कि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करते, ये HbA1c को 0.6 0.7% तक ही घटाते हैं। तो बड़े सहज जेंटल एजेंट थोड़ा सा काम करते हैं और परेशान नहीं करते, कोई दुविधा नहीं डालते, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराते। इनसे थोड़ा सा अधिक पोटेंट सल्फोनिल यूरिया, मेटफॉर्मिन और पाइरिडिनोन, यह तीन जो ड्रग्स हैं यह इनसे ज्यादा पोटेंट हैं। यह 1 to 1.5% HbA1c घटा सकते हैं। हाँ, यहाँ सल्फोनिल यूरिया ऐसा है जो कि हमें थोड़ा हाइपोग्लाइसीमिया करा सकता है। GLP-1 एनालॉग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब इससे ज्यादा अगर हमको HbA1c घटाना है, हो सकता है हमें 2.5% HbA1c घटाना है, तो हम कहेंगे एक 1.5 की और एक 1% की दो दवाओं को जोड़ दो, या इस ग्रुप की तीन दवाओं को जोड़ दो, या इस ग्रुप की एक, इस ग्रुप की दो, ऐसे दवाओं को जोड़ के हम अधिक पोटेंसी लाने का प्रयास करें। लेकिन अभी आप अगर गौर से सुने तो डॉक्टर अनुभा ने क्या कहा था कि तीन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स को जब हम प्रयोग में ला चुके और उनसे हमें पर्याप्त नियंत्रण न मिल रहा हो, तीन सही दवाएं हों, अलग अलग विधियों से कार्य करने वाली हों और पर्याप्त डोजेस में दी जा चुकी हों, तब हमें उसका उसका विचार मन में जरूर लाना चाहिए। तो अगर हमें इंसुलिन देनी है तो इंसुलिन में एक कोई बेसल इंसुलिन जो कि 1.5% तक, और अगर बेसल बोलस दोनों को कंबाइन करके जो कि होते तो चार इंजेक्शन हैं, लेकिन इसको अगर हम देते तो इससे तो अनलिमिटेड हम लाभ प्राप्त करते। तो अगर किसी पेशेंट की 12 13 14 15 HbA1c है, तो हमें कहाँ जाना होगा, हमें उसमें बेसल बोलस रेजीम पे जाना होगा। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए कि मेडिसिन की कैपेसिटी कितनी है जिनको हम प्रयोग करके और अपने पेशेंट को नियंत्रण में लाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जहां हमें ज्यादा प्रभाव चाहिए वहां पे ऑब्वियसली हम इंसुलिन थेरेपी पे जाएंगे। और ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन इस विषय में, ग्लूको सेंट्रिक अप्रोच की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ग्लूको सेंट्रिक पिक्चर है कि HbA1c 7.5 से कम है और 6.5 जाना है, मतलब 1% कम करना है, तो कोई भी ड्रग हम मोनोथेरेपी में ले लें, 1% घटा लेगी। मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आया व्यक्ति 7.5 से 9% HbA1c, लेकिन अब 7.5 से 9% वाले को 6.5 लाने के लिए एक दवा से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे दो दवा चाहिए, डबल कॉम्बिनेशन थेरेपी, और यदि काम ना चले तो ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी। और यदि अब डॉक्टर अनुभा तो आगे एक पिक्चर की स्टोरी बतानी थी इसलिए मुझे रुकना पड़ा, उसके बाद क्या है, मोर देन 9% अगर HbA1c है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज या जब हमने उसे देखना आरंभ किया। अब 9% भी अगर हम ले लें तो 6.5 लाने के लिए हमें 2.5% HbA1c घटाना होगा। और पहले वाली इस स्टोरी से हम क्या सीखेंगे कि 2.5 घटाने के लिए हमें दो या तीन दवाओं का चयन करना होगा, और यदि दो या तीन दवा पहले से चल रही हो तो हमारे पास केवल यही ऑप्शन बचते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया कि 9% से अधिक HbA1c लेके आपके सामने आ रहा है, तो या तो ट्रिपल ड्रग उसके ऊपर और ड्रग जोड़ के दीजिए, या इंसुलिन सोचिए, विशेष रूप से यदि पेशेंट सिम्टोमेटिक हो
तो सिम्टोमेटिक जो हम लोग कहते हैं ना, डायबिटीज तो है डॉक्टर, कई पेशेंट आते हैं डॉक्टर, कल कैंप चल रहा था, कैंप में हमने टेस्ट करा दी और बेवकूफों ने 400 निकाल दी ना, वो कैंप में जो लोग मुफ्त में करते हैं ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, मुझे कोई लक्षण नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है कि मुझे डायबिटीज, ये तो आप जानते हैं। पेशेंट कैटाबॉलिक फेज में अभी नहीं पहुंचा इसलिए उसे लक्षण, जो पेशेंट कैटाबॉलिक फेज में पहुंच रहा है उसे लक्षण होते लग जाते हैं, और ऐसे पेशेंट में हमें इंसुलिन का प्रयोग अवश्य करना है। तो यदि सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया हो और पेशेंट सिम्टोमेटिक हो, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस, ये सब हो रहे हैं, तो यह वो समय है और बहुत ही आवश्यक है जो यूरिन में कीटोन आने लगे। यूरिन में कीटोन कब आते हैं? जब लाइपोलिसिस ज्यादा हो रही हो, लाइपोलिसिस से फैटी एसिड बने, फैटी एसिड की मेटाबोलिस से कीटोन बॉडीज बने, तो कीटोन बॉडी आने का मतलब फैटी एसिड की लाइपोलिसिस ज्यादा, फैट की लाइपोलिसिस ज्यादा हो रही है, और फैट की लाइपोलिसिस तब होती है जब एंटी कैटाबोलिक, जो कैटाबोलिक हॉर्मोन्स है वह हावी हो जाते हैं। इंसुलिन एनाबोलिक हॉर्मोन है, इंसुलिन वेट गेन कराता है, बाकी हॉर्मोन कैटाबोलिक है वो वेट लॉस कराते हैं। तो इसका मतलब कैटाबॉलिक हार्मोन हैवी हो रहे हैं, हमें एनाबॉलिक एजेंट सबसे अच्छा इंसुलिन वह देना। तो सिम्टोमेटिक पेशेंट विद हाइपरग्लाइसीमिया इंसुलिन देने पे विचार अवश्य करिए। तो हमें ग्लाइसेमिक कंट्रोल, जिस पे आप लोगों का सबसे अधिक जोर था, वह इंसुलिन को देने के लिए हमें प्रेरित करता है कि अनकंट्रोल्ड इंसुलिन दो, लेकिन उसके पूर्व यह जानना आवश्यक है कि अभी मेडिसिन क्या क्या चल रही है, और बिना मेडिसिन को जाने कभी भी हम पेशेंट का सही उपचार नहीं कर सकते। कई बार हमारे पेशेंट आते हैं कि पेपर से नहीं लेके आए, अच्छा डॉक्टर मुझे तो याद नहीं, छोड़ो आप अपनी तरफ से दवा लिख दो। अरे अपनी तरफ से कैसे करना है, सब्जी ला के मेरे सामने रखी और मैंने कौन कौन से मसाले डाले ये तो पता नहीं, तुम अपनी तरफ से डाल दो। कैसे डाल दे बताओ, तो कितनी नमक, कितनी हल्दी, कितनी धनिया डाली। तो वैसे ही मुझे भी तो मालूम पड़े कितनी दवा दी है, उसके आगे मैं घटाऊं बढ़ाऊं। तो यही पेशेंट अगर केवल मेटफॉर्मिन देता हुआ आया, अगर केवल ग्लिमिफ्राइड लेता हुआ आया, अगर दोनों एजेंट्स लेता हुआ आया, 3 साल से डायबिटीज, 8.3 HbA1c, और अब आप इसमें से किसको इंसुलिन देंगे किसको नहीं देंगे, तो यह हमारे रोजमर्रा हम इस तरह के केसेस देखते ही। हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि 8.3 से हमें 1.8% HbA1c हमें घटाना है, तो हमें लगभग दो दवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। केवल मेटफॉर्मिन ले रहा है, अभी हमारे पास बहुत कुछ है जोड़ने को, हम कर लेंगे। केवल ग्लिमिफ्राइड ले रहा है, वो भी 8 मिलीग्राम, पता नहीं किस समझदार व्यक्ति ने लिखा है। तो यह भी कोई बहुत अच्छा उपचार नहीं है कि केवल हम कोई इंसुलिन सेंसिटाइजर नहीं दे रहे व्यक्ति को, केवल सिक्रेटोबॉक्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम जरूर कहेंगे सेंसिटाइजर जोड़िए, शायद ग्लिमिफ्राइड की जरूरत ना हो। यहाँ पे दो मेडिसिन ऑलरेडी ले रहा है, दो मेडिसिन ऑलरेडी ले रहा है, अभी भी अनकंट्रोल्ड है, हम तीसरी और चौथी जोड़ सकते हैं, लेकिन साथ में अभी इसको भी हम अपरेगुलेट कर सकते हैं। तो यदि वो पेशेंट में कंडीशन अलाउ करती हो, तो मेटफॉर्मिन बढ़ा सकते हैं, ग्लिमिफ्राइड बढ़ा सकते हैं, SGLT2 और DPP4 इनहिबिटर्स जोड़ सकते हैं, तो शायद हमें इन पेशेंट्स में अभी इंसुलिन देने की आवश्यकता ना हो, ओरल ड्रग से ही हम काम चला ले, यह हमें ध्यान रखना है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है यहाँ, कि जब भी हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं तब हम यह ध्यान रखें कि वह उस मेडिसिन का प्रभाव, डोज रिस्पॉन्स कर्व कैसा हो। जब हम मेडिसिन को आरंभिक डोज में देते हैं तो वो बहुत अच्छा कार्य करती है, डोज बढ़ाते जाते हैं प्रभाव बढ़ता जाता है, लेकिन सल्फोनील यूरिया के विषय में विशेष रूप से कहा जाता है कि जब हाफ डोज पे पहुंचते हैं उसके बाद वो प्लेट्यू पे आने लग जाती है। तो आरंभ में हम डोज बढ़ा रहे हैं ग्लिमिफ्राइड 1 से 2 की रिस्पॉन्स डबल, 2 से 3 की रिस्पॉन्स 25-50% बढ़ गया, 3 से 4 की रिस्पॉन्स 25% बढ़ गया, 4 से 5 की उतना नहीं, 5 से 6 की तो उतना नहीं। तो जब 4 मिलीग्राम, हम 8 से 8 मिलीग्राम दवा को डबल कर दिया, लेकिन रिस्पॉन्स 10-15-20% बढ़ेगा। तो बहुत हैवी डोजेस, फुल डोजेस देने के प्रयास में हमें शायद बहुत अच्छा करने की जरूरत नहीं है,
सल्फोनील यूरियाज हाफ मैक्सिमल डोज में पहुंच चुकी हो, बाकी ये सेंसिटाइजर्स को ठीक प्रकार से प्रयोग में लाने के बाद तब हमें इंसुलिन के प्रति सोचना आरंभ कर देना चाहिए। और यह वो समय है, जैसे डॉक्टर अनुभा कह रही थी, कि पेशेंट को बताते रहो। हमें पेशेंट को, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पहले से इस बात के लिए प्राइम करके रखें कि देखो, जैसे एक उम्र आएगी जब आंखों से साफ नहीं दिखेगा और कैटरेक्ट तो सर्जरी करानी पड़ेगी, चश्मा लगाना पड़ेगा, बाल कम होते जाएंगे, प्रोस्टेट बढ़ती जाएगी, तो उनके प्रति हमको जैसे जैसे जरूरतें सहायता लेने की पड़ेंगी, वैसे ही यहाँ डायबिटीज की उम्र की बात है, डायबिटीज की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हमारी इंसुलिन जो सिक्रीटिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी और हमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले से हम इस चीज के प्रति सतर्क रहें। तो आरंभ में हम अपने पेशेंट को वजन के अनुसार दवाओं का सेलेक्ट करें, हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया से बचाना हो अगर किसी विशेष रूप से वृद्ध व्यक्ति को, तो उसके हिसाब से चयन करें। जब हमने देखा सिंगल ड्रग काम नहीं की, तब हमने इन्हीं की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हम इनको प्रयोग में लाए, तो यह हुआ जो हमारे एडीए की रिकमेंडेशन है उनसे काम न चले तो हम तीसरी दवा जोड़ने का देखें। लेकिन एक सीमा बना के रखनी है, यह नहीं कि पर पर छह छह दवा देते जा रहे हैं, फुल फुल डोजेज में देते जा रहे हैं और इंसुलिन को हम नहीं सोच रहे, अब यहाँ के बाद ही हमको यह विचार करने लग जाना चाहिए कि हमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ सकती है, पेशेंट को प्राइम कर दो। आरएसएसडीआई रिकमेंडेशंस में एक चीज लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है कि पेशेंट को डराओ नहीं इंसुलिन का नाम। अच्छा, मैं दूसरी बात इसमें थोड़ा सा कहने का तरीका बदल देता हूँ, पेशेंट को डराओ नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है कि पेशेंट मन में इंसुलिन का फोबिया ना बैठ जाए, लेकिन पेशेंट को आगाह करते रहो कि भाई अब इसके बाद हमारे पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है, हम शायद एक बार और बढ़ा पाए फिर हम इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी, अभी जरा ध्यान रखिए। तो इंसुलिन इज अ वेरी गुड डिटेरेंट कि अच्छा अब हमारे ऑप्शंस कम हो रहे हैं, भाई अब जूते निकालो, अब टहलने जाना है, अब बदतमीजी बंद करो, वजन घटाओ, तो वह हम आगे के प्रति जब उसको सतर्क कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा हमारा यह थ्योरी काम करती है, हम डरा भी नहीं रहे लेकिन पेशेंट को उसकी वास्तविकता से रूबरू उसका परिचय करा रहे। तो इस प्रकार से इंसुलिन की आवश्यकता टाइप 2 डायबिटीज में हमें ग्लाइसिमिक अनकंट्रोल में तो पड़ती पड़ती है, लेकिन बहुत सारे हमारे और भी समय हैं जब हमें वहां पे इंसुलिन देने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यहाँ पे हमें विभिन्न ड्रग्स की एचबीएमसी लोअरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखना चाहिए। जी रामदास जी, तो हमारे विशेषज्ञों के राय लीजिए कि इसके प्रति और क्या उसमें और जोड़ना चाहते हैं, जो मैंने विशिष्ट बातें हैं जो छोड़ दी हो, जो रह गई हो, और आपके अपने अनुभव के आधार पे तब हम लोग बात करें। अभी भी पिक्चर के वाले डायलॉग बाकी हैं, तो इसलिए अभी आगे की कहानी नहीं बतानी, यहीं तक प्लीज। बिल्कुल सर, सब पेशेंट्स को आगाह करते रहना है, बताते रहना है कि इंसुलिन काफी सेफ है, असरदार है, और किसी भी पॉइंट में मैनेजमेंट की जो हम साइकिल बोलते हैं उसमें किसी भी समय हम इंसुलिन को यूज कर सकते हैं, प्रभावशाली है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत ही अच्छे रूप से समझाया है, इस पे मैं और कुछ ऐड नहीं करना चाहती हूँ। अशोक सर हैं अशोक तो वो जी, भी कुछ इस पे बोलेंगे। नहीं, डॉक्टर अनुभा थैंक यू फॉर साइटिंग मी सर। वंस अगेन सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया है और ज्यादा मेरे पास ऐड करने के लिए नहीं है, लेकिन सर कुछ चीजें, कुछ पॉइंट है जो बार बार हमें रिट्रीट करने हैं, जब भी एनकाउंटर है पेशेंट का हमें पूरा असेस करना है, नीड फॉर इंसुलिन डिसाइड करनी है कि वह अपनी जो ओरल मेडिसिन है सही से ले रहा है नहीं ले रहा है, अगर वो करेक्ट कर रहा है फिर भी हमारे टारगेट गोल नहीं है तो उससे, जैसे आप लोगों ने बताया कि उसको इंसुलिन के प्रति करना है, और सर बताना है जब जब हम इंसुलिन की बात करते हैं पेशेंट से और उसको बताते हैं कि इंसुलिन जरूरत पड़ सकती है, तो आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल को मैनेज करेंगे तो वो शायद थोड़ा और अच्छे से अपने आप को मैनेज करेगा, सो दैट ही कैन अवॉइड इंसुलिन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
जब कुछ समय बीत जाएगा उसके बावजूद भी नहीं होगा, तो अपने आप ही बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि सर अब हमारी इंसुलिन शायद स्टार्ट करने की जरूरत आ गई, तो हमारी इंसुलिन स्टार्ट कर दीजिए। ये मैंने फील किया है कई बार। और आप बिल्कुल जैसा आपने बताया कि पेशेंट को बताएंगे तो तभी वो अपने आप ही अलर्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इंसुलिन बहुत एक अच्छी दवा है और पेशेंट उसके अच्छे रूप में ही पेशेंट के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए, ये मेरा विचार है। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद आप दोनों का। रामदास जी नोट बहुत अच्छे लेते हैं, और रामदास जी अभी मैं जानता हूं कुछ ना कुछ वो वो मनन कर रहे होंगे, कुछ नोट कर रहे होंगे। नहीं ये नहीं बड़े नहीं अच्छे सर, अच्छे कुछ से सर मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि इनिशियल टेक सीवियर होम मैसेज। ग्लूकोटॉक्सिसिटी से जब पेशेंट आता है हाई शुगर लेवल पे, तो उनका बीटा सेल फंक्शन सप्रेस रहता है, तो इन पेशेंट्स में ये इनिशियल इंटरवल के बाद की बातें, हाँ अभी सर अभी आगे की स्टोरीज नहीं बोल रही है। आइए आगे की नहीं आइए आगे आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। okay. तो एक जो उसके पहले हम लोग अगला बिंदु उसमें पकड़ते हैं वो है डायबिटीज के साथ जुड़ी हुई कोमॉर्बिडिटी। तो डायबिटीज अकेली नहीं आती अपने साथ, जैसे एक मोहल्ले में जब एक बदमाश बसता है तो अपने तरह के बहुत लुच्चे लफंगे लोग को और बुला लाता है कि आ जाओ जाओ, बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ हम लोग आराम से रह सकते हैं। तो वैसे ही डायबिटीज, ये जो कॉमन सॉल्ट हाइपोथेसिस है कि जब हमारी दिनचर्या, जब हमारी जीवन शैली खराब होती है तो वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर डिजीज, इस तरह की बहुत सारी चीजों को लेके आती है। और ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना होगा? तो यही प्रश्न जब हमने क्वेश्चनियर के माध्यम से आप लोगों से पूछा, तो इसमें कि अगर हार्ट प्रभावित हो, देखिए हार्ट के इफेक्ट दो प्रकार से होते हैं, एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। किडनी में इफेक्ट दो प्रकार से होते हैं, एक एजुटीमिया जब जीएफआर कम होता है, यूरेमिया होता है कि क्रिएटिन बढ़ता है, और एक एल्बुमिनूरिया। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंडिकेशन लोगों ने लगाए, 83% लोगों ने कहा कि जब डायबिटीज के साथ किडनी प्रभावित हो रही हो तब हमें इंसुलिन देने के प्रति सबसे ज्यादा सोचना चाहिए। और ये बहुत ही प्रसन्न करने वाला ये उत्तर था कि जो एक ऑर्गन जिससे कि कोई भी डायबिटोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा डरता है वह हार्ट नहीं है, वह किडनी है। क्योंकि हार्ट तो एक बार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज से मैनूवर से ठीक हो जाता है, किडनी ठीक नहीं होती। और किडनी जैसे ही गड़बड़ होना शुरू होती है हमारे हाथ पैर कटने लग जाते हैं। मेटफॉर्मिन डोज घटाओ, डीपी फोर इनहिबिटर डोज घटाओ, थोड़ा ज्यादा कम हो गया एसजीएलटी टू इनहिबिटर भी कम करो, जीएलटी वन एनालॉग की डोज घटाओ, सबकी डोजेस घटाते जाओ। एक समय के बाद भाई अब ये भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकते, बचा हुआ इंसुलिन। तो यह जो डिफरेंट कोमॉर्बिडिटीज है यह जैसे जैसे होती जाती है वह इंसुलिन लेने के प्रति क्या प्रभाव डालती है। तो यदि यही व्यक्ति हमारे पास जो सीएडी के साथ आया, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ आया तब हमारा क्या प्रभाव होगा, रिकमेंडेशंस क्या कहती है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है डायबिटीज के साथ तो हमें दो ड्रग्स, जीएलपी वन एनालॉग और एसजीएलटी टू इनहिबिटर, इन पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है। मेटफॉर्मिन बढ़ने से रोकती है लेकिन यह दोनों दवाएं तो लाभ देती है। तो मेटफॉर्मिन बेसलाइन पे उसके साथ में या उसके बिना भी एसजीएलटी टू इनहिबिटर और जीएलपी वन एनालॉग, इनको हम प्रयोग में लाएं। तो अगर हमारा यह पेशेंट है जो मेटफॉर्मिन लेता हुआ या इनके साथ, तो देखो इंसुलिन देने से पहले अभी देख लें कि क्या हम इसको एसजीएलटी टू इनहिबिटर और जीएलपी वन एनालॉग से ठीक कर सकते हैं, तब हम उनको प्राथमिकता देंगे। यही चीज हमारे आरएसएसजीआई की, ये बहुत ही लाजवाब ये इन्होंने चक्र डिजाइन किया है कि अगर हमारा पेशेंट इसके साथ में आता है तो हमें किन किन दवाओं को, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, बीएमआई नहीं ये भी है, तो किस प्रकार से हमें इसमें एसजीएलटी टू इनहिबिटर और जीएलपी वन एनालॉग की मदद मिलती है। तो यदि हमें कार्डियक पेशेंट हो सीएडी के साथ में, तो थोड़ा रुको अभी, पहले दूसरे एजेंट्स को प्राथमिकता देते हुए तब हम इंसुलिन के प्रति विचार करेंगे। और लेकिन ज्यादा वेट भी नहीं करेंगे क्योंकि एक ऑर्गन जा चुका है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सीएचएफ हो तब हम क्या करेंगे, वही बात आई, सीएचएफ में हमें एसजीएलटी टू इनहिबिटर्स का ज्यादा रोल मिल जाता है। यहाँ पर भी यदि हम सीएचएफ के साथ पेशेंट आए तो पहले हम एसजीएलटी टू इनहिबिटर, जीएलपी वन एनालॉग पे विचार करेंगे,
जब उनसे ना हो पाए तो बिना देरी किए इंस्टीट्यूट पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन सीकेडी हो तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। यह पेशेंट अनकंट्रोल्ड, एचबीओसी 8.3, मेटफॉर्मिन 2000। अब यहां पर क्या करेंगे? यहां पे हमें ध्यान रखना है कि सीकेडी के साथ नो डाउट GLP-1 एनालॉग और SGLT2 इनहिबिटर बहुत अच्छी दवाएं हैं, लेकिन एक चीज और भी सोचनी है कि मेटफॉर्मिन सीकेडी के साथ हमें डोज घटानी होती है, एक सीमा के बाद डोज घटानी होती है मेटफॉर्मिन, तो हमें एक बहुत ही काम की दवा वह यहाँ हटाने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में हमारे इंसुलिन ऊपर आ जाता है कि इंसुलिन की आवश्यकता हमें जल्दी पड़ सकती है यदि हमारे बाकी चीजों से काम ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे तो हमें मेटफॉर्मिन भी हटानी या डोजेस भी हटानी। तो सीकेडी जो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया उसमें सबसे अप्रोप्रिएट है कि यह एक ऐसा डिसऑर्डर है, कोमॉर्बिड स्टेट है, जहां पे हमें बहुत जल्दी इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, NAFLD और डायबिटिक रेटिनोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इन सब के केसेस में हम क्या करें? तो यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में तो कोई मेडिसिन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, अगर पेनफुल न्यूरोपैथी हो, डायबिटिक एमायोट्रोफी हो, वैसे स्टेजेस में हमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ सकती है। रेटिनोपैथी में मेडिसिन का कोई रोल नहीं है सिवाय इसके कि पाइरबिडिनोन मैकुलोपैथी को बढ़ा सकती है, तो वहां पे कंट्रा इंडिकेटेड है। अदरवाइज रेटिनोपैथी में भी हम काम चला सकते हैं किसी भी दवा से। हाँ, रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी, यह दो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, ये गठजोड़े में चलते हैं। तो यदि एक पेशेंट की किडनी इन्वॉल्व है तो उसको बहुत संभावना है कि रेटिना इन्वॉल्व हो, रेटिना इन्वॉल्व है तो बहुत संभावना है किडनी इन्वॉल्व हो। तो रेटिना इन्वॉल्व है तो किडनी के लिए देख लीजिए कि कहीं वह अफेक्टेड ना हो और हम मेटफॉर्मिन कंटिन्यू करें कि रेटिनोपैथी में कोई दिक्कत नहीं। अब अगर पेशेंट को NAFLD है, अब फैटी लीवर डायरेक्टली लिंक्ड है सेंट्रल ओबेसिटी से, तो जैसे ही सेंट्रल ओबेसिटी हुई, जैसे ही फैट एक्युमुलेशन हुआ, उसने वह यहां से पोल्टल सर्कुलेशन थ्रू लिवर में पहुंचा, लिवर या तो उसको इस्तेमाल कर ले या लिवर में वो ज्यादा हो तो वहीं पे बैठ जाए, फैटी लिवर चला दे। तो यहाँ पे इंसुलिन सेंसिटाइजर का रोल ज्यादा है, जो वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स है SGLT2 इनहिबिटर, GLP-1 एनालॉग्स, उनका रोल ज्यादा है। यहाँ पे हमें बाकी ड्रग्स को पहले प्राथमिकता देते हुए फिर हमें इंसुलिन की तरफ जाना है। तो इस प्रकार से मित्रों, हर जगह केवल ग्लूकोज देख के हम इंसुलिन पे उछल के कूद के पहुंच जाए वह भी सही नहीं होता, और सब कुछ देखने के बाद भी हम इंसुलिन ना दें यह भी सही नहीं होता। तो यह दो चीजों को ध्यान में रखते हुए तब हम लोग इंसुलिन कहाँ नहीं देना, इंसुलिन कब देना, यह जानने के बाद तब हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन को किस प्रकार से हम दें, किस प्रकार से आरंभ करें और किस प्रकार से हम इस पे आगे बढ़ें। तो आज के सेशन में ये भूमिका हमने इसकी बनाई कि इंसुलिन का प्रयोग हमें कैसे किस प्रकार से करना है, क्योंकि हम आज वह बिंदु जो डॉक्टर अनुभा कह रही थी और वो बाद में अभी डॉक्टर रामदास भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि आरंभ में, इसको हम लोग अगले सेशन पे हम लोग विस्तार में इसकी चर्चा करेंगे कि जैसे बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, दो दो पॉइंट, और ये पॉइंट पकड़ने वाले होते हैं और वास्तव में कहा जाता है कि ज्ञानी लोगों के मुंह से निकली हुई वाणी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उसके प्रत्येक बिंदु में बहुत कुछ गूढ़ रहस्य छुपे होते हैं। तो अनुभा जी ने भी दो बिंदु भी बोले थे, एक तो इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, अगर कहा जाए कोई एक ड्रग जो किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है कभी भी यूनिवर्सली इंडिकेटेड, तो कुछ ना समझ आए तो इंसुलिन दे दो तो उसका नुकसान नहीं होगा, नंबर 1, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, नंबर 1, किसी भी कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट हो इंसुलिन दी जाए, बिल्कुल कैसा भी पेशेंट हो, रिसेंटली डायबिटिक, अभी नया नया डायबिटीज लेके आया है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया है, बहुत टॉक्सिक है, इंसुलिन दी जा सकती है। तो यह हमें कभी भी दी जा सकती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये दो बिंदुओं को ध्यान रखिए। और इसके साथ हम लोग अगली बार हम लोग इसके आगे इस पर चर्चा करेंगे कि
रिसेंटली डिटेक्टेड डायबिटिक हाइपरग्लाइसेमिक फेज में आए तब क्या करना है, और लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के साथ में आए तब क्या करना है। रामदास जी आपके पाले में, और अब आप दोनों अनुभवी विशेषज्ञों से उनकी राय लेते हुए, और जो आपने इतनी देर जरूर कुछ ना कुछ मनन किया होगा और कुछ नोट किया होगा, आप बड़े अच्छे नरेशन बाद में देते हैं कि ये चीज पे ध्यान रखें, हमें उनकी प्रतीक्षा है। आज का सेशन समाप्त करने से पहले उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर से चलेंगे। जी रामदास यस जी, सर, यस सर, बहुत अपनी सरल से बहुत अच्छी तरह से सबने समझाया सर कि सिर्फ ब्लड ग्लूकोज देख के इंसुलिन ना शुरू करें, उसमें बाकी के भी कोई फैक्टर्स हो उसमें, जैसे कि एज, वेट, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, ब्लड शुगर का जो कंट्रोल है वो शॉर्ट टर्म कंट्रोल के लिए ब्लड ग्लूकोज देखते हैं, लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए एचबीओसी देखते हैं, अदर कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे कि सीकिड हो चुका है पेशेंट को तो इसमें इंसुलिन दे दो, उसका मेटफॉर्मिन का डोज कम कर दो, ओबेस पेशेंट है तो उसको इंसुलिन से अच्छा इंसुलिन सेंसिटाइजर दे दो, जो वेट लॉस कर रहा है पेशेंट, यंग पेशेंट में एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर दो, और जो एकदम यंग पेशेंट है 9 साल के पेशेंट है उसमें दैट इज अ टाइप 1 डायबिटीज, उसमें तो इंसुलिन ही यूज करना चाहिए, और अदर मेडिसिन पेशेंट को चला जैसे कि सल्फोनिल यूरिया चला है उस पेशेंट में इंसुलिन जोड़ दिया तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिक चांसेस ज्यादा रहते हैं तो उसको सल्फोनिल का डोज घटा दो, नहीं तो सल्फोनिल यूरिया बंद कर दो। ओल्ड पेशेंट में भी हाइपोग्लाइसेमिया से बचे, ज्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट ना करें, और यंग पेशेंट में एग्रेसिव ट्रीटमेंट करें, ये लिगेसी इफेक्ट जो ग्लूकोज कंट्रोल कराता है वो बाद में पेशेंट के लिए इफेक्टिव रहता है सर। तो इतने पॉइंट आपसे मैंने आज सीखे हैं, मैं अनुरोध करता हूँ कि विशेषज्ञों को फैकल्टीज को अपने आप राय दे, उसके बाद ये मैनकाइंड फार्मूला फिर आपका सूत्र संचालन करेंगे और ये वाइंड अप करेंगे सर। थैंक जी यू धन्यवाद, सर। ये बहुत ही अच्छा सेशन हुआ जिसमें सर ने बहुत ही सरलता से इंसुलिन का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही बखूबी दिया कि सिर्फ शुगर कंट्रोल ना कर, शुगर का अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो उसमें क्या क्या बिंदुएं और देखनी चाहिए और पेशेंट को कैसे इंसुलिन के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम इन सभी बातों का ध्यान देंगे तो हम बहुत अच्छे से पेशेंट का शुगर कंट्रोल कर सकते हैं और डेफिनेटली बेनिफिट्स आएंगे। थैंक यू। हाँ थैंक यू किशोर सर, जी, ये सेशन काफी अच्छा रहा सर। इसमें न केवल आपने इंसुलिन की इंडिकेशन कवर करी, और साथ साथ आपने हमें डिफरेंट टाइप के ओएचए के बारे में बताया कि उस समय के, और विद एग्जांपल्स कि डिफरेंट डिफरेंट एचबीएमसी लेवल और डिफरेंट डिफरेंट क्लास के पेशेंट्स वेट एज ड्यूरेशन के हिसाब से डिफरेंट ओएचए का भी इंडिकेशन बताया। तो ये दोनों चीजों को एक समन्वय रख के आपने एक इंसुलिन को हमारे ट्रीटमेंट में कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो बहुत अच्छे से समझाया गया। तो ये चीजें बहुत सभी के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो थैंक यू सर। सर बिफोर वी वाइंड अप, देर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स। इफ यू अलाउ सर, कैन आई आस्क ऑल दोस क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ डेलीगेट्स सर? जी प्लीज। सो सर, पहला सवाल है डॉक्टर सूरज के द्वारा, उन्होंने पूछा है व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी। ओ, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आ गया। कंट्रा इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी, तो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि शायद इंसुलिन एक ऐसा एजेंट है जो कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कुछ ना समझ में आने में भी दिया जा सकता है। तो मुझे तो सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसी स्थिति है क्या कि जहां पे इंसुलिन कंट्रा इंडिकेटेड, सिवाय कि जो पहले इम्प्योर इंसुलिन आती थी जहां पे इंसुलिन कि इम्प्योरिटी के साथ जुड़ी हुई इंसुलिन एलर्जी हुआ करती थी, लेकिन वहां पर भी इंसुलिन को हम कंट्रा इंडिकेट, वहां पे हम इंसुलिन लगाते थे और हाइपरट्रॉफी हो सकती है, एट्रॉफी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन तब भी इंसुलिन मस्त है, लगानी पड़ेगी, बदल बदल के लगाते जाओ उससे देखी जाएगी। तो मुझे तो ऐसा नहीं ध्यान आता। हमारे साथ जो 3 गुणीजन है, यदि वो मार्गदर्शन कर पाए, कोई ऐसी कंडीशन है क्या जहाँ पे इंसुलिन कंट्रा इंडिकेटेड हो? नहीं सर, मुझे इसमें डोज याद ऑफ आता। इंसुलिन, इंसुलिन की डोज कम हो सकती है, पर इंसुलिन कैन बी गिवन इन एनी सर्कमस्टांसेस एज यू ऑलरेडी मेंशन्ड सर। ये भी बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे ध्यान दिलाई कि जब बहुत एडवांस नेफ्रोपैथी होती है तो यस यस जब इंसुलिन हमारा उसका एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है, तो जब इंसुलिन
से एक्सक्रीट होती है, जब वो एक्सक्रीट नहीं हो पाती बॉडी में स्टे करती है तो वो उसकी इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एडवांस नेफ्रोपैथी में यूरिमिक टॉक्सिन्स के कारण से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो एक तो पहले के स्टेजेस में तो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंसुलिन की डोज रिक्वायरमेंट बढ़ती है, लेकिन एडवांस नेफ्रोपैथी में जाके जब इंसुलिन मेटाबोलाइज ही नहीं हो पाती तब एकदम से कहते हैं बर्न आउट डायबिटीज, कि वहां पे डायबिटीज ऑटोमेटिकली क्योर हो गई। तो अगर फिर मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन यदि कोई पेशेंट कहे डॉक्टर पहले तो 5-5 दवा खाता था, शुगर कंट्रोल नहीं होती थी, और अब तो मेरी बिना दवा के भी कंट्रोल हो जाती है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अरे भैया ठीक नहीं हो तो भाई तो या तो लीवर गया या फिर किडनी गई है, टेस्ट कराओ। तो वही चीज कंट्राइंडिकेशन ऑफ डायबिटीज, तो उसको हम ना कहें कंट्राइंडिकेशन ऑफ इंसुलिन, लेकिन वहां पे इंसुलिन की डोजेस बहुत कम होती जाती है, क्रमशः कम होती होती है, कभी कभी बंद भी हो जाती है, पेशेंट बिना इंसुलिन बिना ओएचएस के नियंत्रण में रहता है, लेकिन ये स्थिति खुश होने वाली नहीं है, किडनी गई। जी थैंक यू सर। सर दूसरा सवाल डॉक्टर किरण के द्वारा ही है। उन्होंने ये पूछा है, अगर हम इंसुलिन बॉडी के बाहर से सप्लाई करते हैं तो क्या बॉडी के अंदर इंसुलिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी? ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी ये तो जो जो प्रश्नों के स्तर है वही बता रहे हैं कि हमारी ऑडियंस किस स्तर की है। बहुत बढ़िया। तो देखिए एक बड़ी मजेदार बात है कि जैसे यहाँ पे तो मैं उदाहरण थोड़ा राजनीतिक हो जाता है, चुनाव का माहौल है चलेगा इतना तो, कि सब्सिडी जब दोगे तो व्यक्ति काम करना बंद कर देगा, तो इसलिए सब्सिडी एक बहुत अच्छा उपाय नहीं है किसी भी, ठीक है टेम्परेरी सब्सिडी तो अलग बात है। हम जब भी जो भी पदार्थ हम बाहर से अनावश्यक रूप से देते रहते हैं, तो शरीर में अगर वो बन रहा है तो शरीर कहता है आराम से मिल रहा है, खाओ पियो मत रहो, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। यह प्रिंसिपल बहुत सारे हॉर्मोन्स में अप्लाई होता है, लेकिन इंसुलिन में शायद उतने अच्छे से अप्लाई नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है हमने इंसुलिन बाहर से दी, उसने ग्लूकोज लेवल कंट्रोल किया, तो ग्लूकोज लेवल जब नीचे आ गया तो जो स्टिमुलस था इंसुलिन सिक्रेशन का वो कम हो गया। तो इंसुलिन शरीर जब देख रहा है बाहर से मिल रही तो उसने अपना बनाना या अपना निकालना कम कर दिया, जब आवश्यकता होगी तो निकालने लग जाएगी, और इसलिए हम इंसुलिन दे के पैंक्रियाज को हम निकम्मा तो नहीं बनाते, ये तो है, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जहां पे हम जब हार्मोन देते हैं बाहर से तो अपने एंडोजेनस रिजर्व को कम करके, एंडोजेनस सिक्रीशन को कम करके एंडोजेनस प्रोडक्शन भी कम कर देते हैं, है तो वहां पे जैसे टेस्टोस्टेरोन का ही उदाहरण दे अगर हम, जैसे इस्ट्रोजन का ही उदाहरण दे, तो वहां पे जब हम देते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस को इस्ट्रोजन हम कॉन्टिन्यूसली देते हैं, तो वो ओवरी को अगर हम गैर जरूरी दे रहे हैं तो उनको निकम्मा बना देती है, वहां से कम स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस तो कम कर ही देती है। तो यहाँ पे बाहर से इंसुलिन देने पे एंड्रोजन इंसुलिन को बंद तो नहीं करते, हाँ एक एडवांटेज भी है जो अभी बातें हो रही थी कि हमारे बीटा सेल्स को रेस्ट मिल जाता है, तो अगर वो बीटा सेल्स बहुत समय से बहुत स्टिमुलेटेड थे, पेशेंट की ग्लूकोज बड़े बहुत अनियंत्रित चल रही थी और बहुत स्ट्रेस पड़ रहा था बीटा सेल्स पे, बीटा सेल्स को बहुत काम करना पड़ रहा था, 4-4 5-5 गुना इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही थी, अब हमने बाहर से इंसुलिन दिया तो बाहर से इंसुलिन देने पे क्या हुआ, वो उसने ग्लूकोज लेवल कम किया और उसने जो स्टिमुलेट करके बीटा सेल को हाइपर फंक्शन करा रही थी उसको आराम दे दिया। तो डॉक्टर रामदास बोल रहे थे, मैंने चुप करा दिया उनको कि यस यस सर। इससे क्या होता है, दिस इज सेकेंड विंड टू बीटा सेल, बीटा सेल्स को ताजी हवा का झोंका मिला, कहा हम दोबारा पुनर्जीवित होके अब हम पूरी क्षमता से दोबारा कार्य करेंगे। तो एग्जॉस्टेड बीटा सेल्स अगर हैं तो एग्जॉशन के कारण से उनका एग्जॉशन कम हो जाता है, दे बिकम रीएक्टिवेटेड, तो वो उसका हमें बेनिफिशियल रेस्पॉन्स कुछ जगह पर मिल सकता है, लेकिन सामान्य केसेस में तो वो हमारी पेंक्रियास को हमारे बीटा सेल्स को सप्रेस कर दे है, ऐसा नहीं करेगी बिल्कुल, इसीलिए वो हाइपोग्लाइसीमिया भी करा सकती है कि बॉडी का अपना इंडिजेंस प्रोडक्शन भी चलता रहा और बाहर से भी आ गया। मैं इसमें कुछ मिस कर रहा हूं तो हमारे तीनों एक्सपर्ट इसमें अपनी राय दें।
नहीं सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल जी सही है सर, बिल्कुल, वी आर टोटली बिल्कुल सहमत है हम आपसे सर कि जी इसमें कोई दो राय नहीं आई गैस सर। ठीक है डॉक्टर अनुभा, व्हाट्सअप व्हाट डू यू से। नहीं, बिल्कुल सही है सर कि अभी आपने बिल्कुल बताया कि बीटा सेल ऑलरेडी एग्जॉस्ट होते हैं एज द टाइम ऑफ डायबिटीज जब डिटेक्ट ही होती है, तो अगर हम इंसुलिन एक्सटर्नली देते हैं तो इट गिव्स रेस्ट टू द पेनक्रियास, तो देर इज ये कोई वो नहीं है कि वो बनाना ही बंद कर देगा. सो एज द रिक्वायरमेंट विल गो डाउन वंस द ऑटोमेटिक जो चीज है वो अपने आप शुरू हो जाएगी, तो रिक्वायरमेंट मे फॉल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट. थैंक यू सर, जी थैंक यू मैम. तीसरा सवाल डॉक्टर किरण के द्वारा पूछा गया है. वो बता रहे हैं कि उनके एक पेशेंट है जो 18 इयर्स से डायबिटीज हैं और वो वेल कंट्रोल्ड है ओरल एंटी डायबिटिक्स के साथ. सो डॉक्टर किरण का सवाल है, क्या मुझे इंसुलिन कंसिडर करना चाहिए या मैं अपने पेशेंट्स को ओएडी पे ही कंटिन्यू करूं? बहुत अच्छा, पेशेंट बहुत अच्छा है, और जब पेशेंट अच्छा है तो उसके पीछे छुपा हुआ जो उनके डॉक्टर हैं, जो फिजिशियन है, उनका प्रयास बहुत अच्छा है। 18 साल बाद भी, वाह, मैं तो इसकी कल्पना ही कर सकता हूँ कि काश हमारे पेशेंट भी 18 साल की डायबिटीज के बाद और इतने अच्छे नियंत्रण में रहे। हाँ डेफिनेटली, जब तक हमारा, ये वो पेशेंट्स भी हैं जिनमें डिजीज का टेम्पो स्लो है, डिजीज प्रोसेस हमारा बहुत प्रोग्रेसिव नहीं है, तो हर डायबिटिक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कुछ डायबिटिक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें डिजीज प्रोसेस बहुत तेज चलता है और कुछ में स्लो चलता है। तो बहुत अच्छा है कि यदि पेशेंट कंट्रोल है तो हमें इंसुलिन की आवश्यकता क्या है। यदि एथिकली सेलेक्टेड मेडिसिन जो है हमारी, वो अच्छा काम कर रही है, अगर उसके लिए सुटेबल है, सब कुछ सही है, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं कि लंबी डायबिटीज के बाद भी हम उसे इंसुलिन पे शिफ्ट करें। राइट सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ओएडीज. सो डॉक्टर सुरेंद्र पूछ रहे हैं, पायोग्लिटाजोन के द्वारा एडिमा होती है और सीएचएफ होती है, वो आपकी इसके ऊपर राय जानना चाहेंगे. ये राय बड़ी कंट्रोवर्शियल है और मैं जो कहूंगा, थोड़ा बिंदु मैं चाहूंगा कि हमारे तीनों जो बंधु हैं वो इसमें प्रकाश जरूर डालें, क्योंकि यहाँ पे हमारे और उनके बीच में मत भिन्नता होने की संभावना बहुत ज्यादा है। पायोग्लिटाजोन एक कुछ थोड़ा सा वो रेड लाइट एरिया और टाइप की जैसी चीज होती है ना, थोड़ा सा बदनाम दवा हो चुकी है, लेकिन बहुत अच्छी दवा है। सबसे अच्छी इंसुलिन सेंसिटाइजर, मेटफॉर्मिन से भी अच्छा इंसुलिन सेंसिटाइजर पायोग्लिटाजोन है। एथेरोस्क्लेरोसिस को घटाती है, री स्टेनोसिस को घटाती है, एथेरोमा के साइज को घटाती है, सीएडी के लिए बहुत लाभदायक दवा, लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाती है, सीएचएफ को प्रेसिपिटेट करा सकती है, एनएफएलडी में लाभ देती है, लेकिन अगर हेपेटिक सिंड्रोम में हो तो उसको एग्रीवेट कर सकती है, सीआरएफ में सीकेडी में कुछ नहीं करती, लेकिन एडवांस सीकेडी हो तो वाटर रिटेंशन से और ओवरलोड करा सकती है, रेटिना पे कुछ नहीं करती लेकिन मैकुलर एडिमा हो तो उसको बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार से बोन पे कुछ बाकी दवाएं नहीं करती, यह बोन में ऑस्टियोपोरोसिस की टेंडेंसी और थोड़ा सा फ्रैक्चर की इंसिडेंस बढ़ा सकती है, जिस प्रकार पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में कहते हैं भाई सोच समझ के दो। तो इस प्रकार से इससे जुड़ी हुई और फिर एक बहुत बड़ा एक बीच में बुलबुला फटा था कि कार्सिनोमा यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है इससे, है, लेकिन वह भी देखा गया कि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग यूज के बाद, बहुत हैवी डोजेस में 45 मिलीग्राम डेली यूजेस के बाद, तब जाके जब 5000 मिलीग्राम का टोटल एक्सपोजर हो चुका हो तब इसकी संभावना बढ़ती है। तो कंट्राइंडिकेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो कॉशन थी, जो रेड लाइट जल रही है इसके लिए, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो मेटफॉर्मिन, मैं तो जहां तक मेरा अपनी मान्यता है, जो कि कभी कभी आदमी की पर्सनल जो फीलिंग्स होती हैं वो कभी कभी ज्यादा डोमिनेट करने लग जाती हैं, लेकिन जब तक कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, मेटफॉर्मिन इज अ वेरी गुड इंसुलिन सेंसिटाइजर। देखते समझते भारत होते हुए लो डोजेस में उसको प्रयोग में लाते रहें, जब कभी लग रहा हो कि कहीं विशेष रूप से सीएचएफ की संभावना बढ़ा सकने पे हो सकती है, तो वहां पे हम इसके प्रयोग से बचे। यहाँ पे दोनों तीनों लोगों से मैं जरूर आप लोगों की राय चाहूंगा कि आप लोग इसके विषय में क्या बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल एरिया है। डॉक्टर अशोक, सर आप
सर आपके विचार बिल्कुल, मैं आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं भी यही फॉलो करता हूँ कि पायोग्लिडोजोन एक अच्छा इंसुलिन सेंसिटाइजर है और आपने इसके सारे फायदे बताए। ठीक है, थोड़े नुकसान हैं, लेकिन उन नुकसान को पेशेंट के एक एक पेशेंट के इंडिविजुअल पेशेंट में हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और जहाँ यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी हमें यूज करना चाहिए। हमें बस जो कॉशन रखना है, CHF ना हो पेशेंट को, वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट में ना हो जो उसको प्रेसिपिटेट करता, या तो हम उसे डायरोटिक दें या साथ में, या इसको अवॉइड करें। दैट इज द ओनली पॉइंट आई वांट टू ऐड सर। थैंक यू सर। डॉक्टर अनुभा प्लीज। नहीं डॉक्टर सर, बिल्कुल आपने सही अनुभा, कहा, इट्स अ आप वंडरफुल बताएं क्या छोटा मॉलिक्यूल। शुल्क का कोई नहीं कनेक्शन? जी, पायोग्लिटाजोन सर, इट्स अ ब्लैक बॉक्स वार्निंग ड्रग, जैसे आपने कहा बदनाम हो गई है, लेकिन हमारे पास मेटफॉर्मिन के अलावा इंसुलिन सेंसिटाइजर अगर कोई अच्छा है तो पायोग्लिटाजोन है। डोजेस मॉडिफिकेशन करके हम सभी पेशेंट्स को बेनिफिट दे सकते हैं। कॉशियस रहना है, जैसे अभी आप सबने बताया कि फ्लूइड ओवरलोड जहाँ कंडीशंस में है वहां हम रिकंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट इट वर्क्स नाइसली। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन तो कहीं नहीं है, जहां पे है इफ इट इज अ फ्रैंक CHF या पूरा पेरिफेरल इडिमा है तो वहां पे हमें अवॉइड करना है। नामदार जी, आपके खजाने में है कोई तरकश में कोई तीर? सर सर कुछ नहीं, सेम सेम ये पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। जिस पेशेंट को उसका फायदा है उसको डेफिनेटली यूज करनी चाहिए। मैं भी एग्री करता हूँ, इट इज मोर बेस्ट देन मेटफॉर्मिन, इज वेरी गुड इंसुलिन सेंसिटाइजर। ये सेंट्रल क्या अपना विसरल फैट कम कर देता है, इसमें उसके बेनिफिट भी है। हाँ, उसको लो डोज में यूज करो, और जहाँ पे आपको संभावना है कि पेशेंट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, हाइपर वॉल्यूम है, वहां पे यूज मत करो। और उसका जो ड्यूरेशन आपने सर बोला कि इसे 5000 मिलीग्राम होने के बाद ब्लैडर कैंसर करती है, लेकिन वो भी उन्होंने अभी रूल आउट कर दिया है, लेकिन इतने लंबे समय तक हम उसको चलने ही नहीं देंगे। जी या इतना डोजेज यस यस एक्यूमुलेशन। यस सर, यस सर। जी थैंक थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सर, दूसरा सवाल है डॉक्टर तैयब खान की तरफ से। वो चाहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के ऊपर आप प्रकाश डालें। रिवर्सल ऑफ डायबिटीज बहुत चर्चा में रिवर्सल है, ऑफ डायबिटीज। अच्छा लेकिन रिवर्सल मुझसे भी कहते हैं, पेशेंट आके कहते हैं ना, डॉक्टर आजकल तो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज से बात हो रही है, आप कुछ क्यों नहीं करते? तो भाई साहब, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज डॉक्टर नहीं करता, वो पेशेंट करता है। पेशेंट कर रहे तो हैं। वह पेशेंट को करना होगा डाइट एक्टिविटी बेस्ड रिडक्शन से। मेडिसिन हम ऑलरेडी हम लोग वही बात कर रहे हैं, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच लेके चलना है। पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच में अगर ओवरवेट पेशेंट है, हम उसको इंसुलिन सेंसिटाइजर से जब देते हैं, जब हम उसको मेटफॉर्मिन SGLT2 इनहिबिटर GLP-1 एनालॉग्स टाइप की ड्रग्स देते हैं, वो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को प्रिजर्व करती हैं, वेट रिडक्शन में हेल्प करती हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करती हैं, पेशेंट अपने आप लगेगा तो काम होगा। तो मेरा मानना यह है कि रिवर्सल ऑफ डायबिटीज पेशेंट के प्रयासों से होती है। हाँ, जो बात अभी तक हो रही थी, जो हम लोग अगले सेशन में जिसको करेंगे, कि टाइम एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज पेशेंट बहुत सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आया, उसको जब हम इंसुलिन, शॉर्ट टर्म इंसुलिन थेरेपी 1 महीने के लिए भी अगर हम देते हैं और साथ में इंसुलिन सेंसिटाइजर का शुरू करते हुए, तो जो वो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को उसको स्ट्रेस और जो एग्जॉस्टेड थे उनको एग्जॉशन हटाते हुए जैसे जैसे हेल्प करती है, वह पेशेंट को रिमिशन में जाने तक में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो उसको हम रिवर्सल का नाम भी दे सकते हैं, उसको डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज इन रिमिशन उसका नाम भी दे सकते हैं। थैंक यू सर। सर, अगला सवाल डॉक्टर अश्वनी शर्मा के द्वारा पूछा गया है। मैम पूछ रही हैं, आफ्टर इंसुलिन जो वेट गेन होती है इन टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट, वो हम कैसे मैनेज करें? बहुत बढ़िया सवाल है। टाइप 1 डायबिटीज भी हमारी अपनी जीवन शैली की गड़बड़ियों से वेट गेन कर सकते हैं। जब वो बच्चा यूजुअली जब प्यूबर्टी के आसपास पहुंचता है, तो प्यूबर्टी में पहुंचने पे जितने हार्मोन सिक्रेट होते हैं, सब काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, सब एंटी इंसुलिन काम करते हैं, तो उस समय इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उस वक्त इंसुलिन की डोजेज बहुत तेजी से बढ़ती हैं, और उस समय हमें
इंसुलिन की डोज ज्यादा देते हैं तो वेट गेन होता है और बच्चा भी थोड़ा सा जिद्दी होने लग जाता है उस एज में, तो थोड़ा खाता पीता जाता है, तो उसके कारण से उस वक्त वेट गेन करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, सबसे अच्छा मैनेजमेंट तो उसमें लाइफ स्टाइल का ही है, डाइट एक्सरसाइज को हम ठीक तरह से पालन करें उसका, और इंसुलिन की डोजेज नो डाउट बढ़ानी पड़ती है, और काफी इस पे ये विचार विमर्श चल रहा है कि हम इस ऐसे बच्चों में मेटफॉर्मिन आरंभ करें क्या। तो क्योंकि वेट गेन के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस तो जैसे टाइप 2 में होता है वैसे टाइप 1 में भी हो जाएगा, तो टाइप 1 में भी लाइफ स्टाइल रिलेटेड, वेट गेन और लाइफ स्टाइल रिलेटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो शायद हम कुछ समय में एक बेहतर रिकमेंडेशन के साथ आ सकें कि ऐसे केसेस में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अतिरिक्त मेटफॉर्मिन थेरेपी से कुछ लाभ मिल सकता है या नहीं। जी, थैंक यू कोई सर। विचार आप लोगों के इससे? एक्चुअली टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी आप बोले कि इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट, तो मोस्टली दे आर नॉट ओबेज पेशेंट्स। और जैसे कि मैं आप बोल रहा हूँ कि इंसुलिन शुरू करने से इतना वेट जो उनका नहीं बढ़ना चाहिए, और बढ़ता है तो डाइट और एक्सरसाइज इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर देम। जी सर अभी नई, अब चाइल्डहुड डायबिटीज बदल गई है। टाइप 1 ओके, डायबिटीज तो नो नो डाउट इट इज अ चाइल्डहुड डायबिटीज, जैसे सर यस ने बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दे यूजली थिन जो रहते हैं। बट थिन नाउ एंड वी आर थिन। गेटिंग, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमें ओबीज बच्चे मिल रहे हैं। इनफैक्ट 10 साल के, 12 साल के बच्चे आ रहे हैं जो कि टाइप 2 भी आ रहे हैं। तो दिस इज अ जेन्यून प्रॉब्लम। एंड अगर हम सर आप बात करें कि क्लस्टर डायबिटीज का भी एक क्लासिफिकेशन आया था, तो कहीं पे उन्होंने एक यस कंबाइंड इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी बात की है। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि दीस कैन बी अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हु हैव पिक्चर इंसुलिन डेफिशिएंसी बट आल्सो फीचर्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड माइट बी दे रिस्पॉन्स टू मेटफॉर्मिन। सो दिस अ लॉन्ग वे टू गो एंड टेल अबाउट दिस, क्योंकि दे बहुत सारी डिफरेंट कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हैं जिनको देखना पड़ेगा। अब सिर्फ टाइप 1, टाइप 2, 1.5 करके हम नहीं जी मैनेज कर सकते हैं, हमें और उसके डेप्थ में जाना होगा, उसकी पैथोफिजियोलॉजी को गहन करना पड़ेगा। और द फ्यूचर इज मोर विल रिवील कि हम लोग कितना मैनेजमेंट चेंज कर पाएंगे। ये डॉक्टर जब वी तक मोहन हम ने लोग ये क्लस्टर समझेंगे डायबिटीज तब का तक किया है ना डायबिटीज मैडम? अपना प्रयास वो बदल देगी, जी तब तक समय के अनुसार डायबिटीज में और कुछ परिवर्तन आ जाएगा, फिर हमें उसको समझने में समय जी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर रामदास, क्या कह रहे थे? नहीं, डॉक्टर वी मोहन सर ने ये क्लस्टर सर डिफरेंट जी क्लस्टर्स ऑफ डायबिटीज से किए थे ना, हाँ जी SIRD, जी SIDD, जी जी सीवियर इंसुलिन बिल्कुल। डिफिशियंसी। यस यस मैम, अभी प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट आते हैं जहां चैलेंज हो जाता है, तो यस अभी तो बिकॉज वी डोंट हैव एनी गाइडलाइन, तो हम उन्हें एक्सरसाइज ही रिकमेंडेशंस देते हैं जिससे इंसुलिन की डोजेज भी कम हो जाती है और जो रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, वो भी एनकाउंटर होती है फॉर टाइप 1। जैसे कि आप बट बोले मैडम कि यंग पेशेंट्स है, ओबेज है, दे आर टाइप 2 डायबिटीज, स्टिल दे दे आर आर टाइप 2, यंग पेशेंट, डेफिनेटली दे है आर ना। टाइप इन 2। दैट वी आर गोइंग टू यूज इंसुलिन सेंसिटाइजर ओनली व्हेन वी आर या गोइंग या टू यूज दे इंसुलिन। द वंस हु आर टाइप 2 विल ब्यूटिफुली रिस्पॉन्स टू योर यस मेटफॉर्मिन यस यस थेरेपी, टू योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एज वेल एज अदर मेडिकेशन। बट हम यही जो आप अभी डॉक्टर वी मोहन सर का क्लस्टर डायबिटीज के बारे में बात यस की, यस 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 वहां पे वो क्लस्टर्स हैं जहां पे ये दोनों एंटिटी मेंशन है। बट लेट्स सी, वी डोंट इवैल्यूएट इन दैट मैनर, तो अभी ये कहना बहुत अर्ली होगा। दिस इज जस्ट माय ओन थॉट। वी स्टिल ट्रीट टाइप 1 एज यू सेड, तो हमारे पास अभी वही है ट्रीटमेंट में। लेकिन एक स्टडी भी ऐसा करना चाहिए मैडम कि एक्चुअल टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन देने से कितना वेट बढ़ता है पेशेंट का, रियली दे बिकम ओबेज, ऐसा तो मैंने देखा नहीं एक्चुअली। एकदम हाँ, यूजुअली वो तो टाइप 1 पेशेंट, है ना। जी मतलब सर जो जो बताइए। हमारे बॉडी हैबिटस है, दे आर लीन एंड थिन, देर इज एक्चुअली डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, तो यू विल नॉट सी मच इंक्रीज इन द डोज, मतलब इन स्पाइट ऑफ टेकिंग हाई डोजेज ऑल्सो यस यू विल नॉट यस सी मैम, सो मेनी इंडिविजुअल्स। बट यस, इंसुलिन बींग एनाबॉलिक हार्मोन, देर इज एन ऑलवेज रिस्क ऑफ वेट गेन। आई थिंक पंकज सर वॉज सेइंग समथिंग। सर नहीं मैं आपके सही कह रहा था, ये लास्ट आप वही कह रहे थे। फ्यू कमेंट्स।
जी, कोई और प्रश्न ना हो तो वाइंड अप किया जाए या अभी कोई? सर देर आर टू मोर क्वेश्चन सर, उसके बाद हम सर डिस्कस जी करें। सर डॉक्टर अश्वनी का सवाल है, इंसुलिन इन मोडी एंड लाडा टाइप पेशेंट्स। देखिए, लाडा में तो इंसुलिन देना बनता है, और जो नॉर्मल टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनमें की लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के साथ बाद उसके इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, लाडा वाले व्यक्तियों में जल्दी पड़ेगी, क्योंकि उनमें जैसा भी बात हो रही थी कि उसमें ऑटो इम्यून कंपोनेंट है, उसमें बेटर बीटा सेल लॉस जल्दी होगा, तो उसके कारण से हमें आवश्यकता जल्दी पड़ेगी। मोल्डी तो बाय डेफिनेशन बहुत अच्छी स्थिति है कि वहां पे तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और मेडिसिन पे बहुत अच्छा कंट्रोल भी होते हैं। तो मोडी में ये वाली, बिल्कुल अगर मैं कहूँ टाइप 1 में फ्रॉम डायग्नोसिस, लाडा में जल्दी 2 3 4 5 6 7 सालों में, टाइप 2 में 10 12 सालों में, तो मोडी मैं समझता हूँ कि शायद उसके आगे आना चाहिए टाइप 2 के बाद, जब इसमें इंसुलिन की आवश्यकता थोड़ा और लेट होनी चाहिए चाहिए, लेकिन हर पेशेंट किताब पढ़ के नहीं आता, तो इसलिए हर एक का जो प्रेजेंटेशन है नहीं पहली चल। अग्रीड अग्रीड सर। सर द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर सुनील कुमार एंड डॉक्टर आशीष मित्तल। उनका सवाल है कि प्रेगनेंसी में हमें इंसुलिन कब इनिशिएट करनी चाहिए। अरे नाइस, यही बड़ी अच्छी चीज है, हम लोग थोड़ा सा तो डिस्कस करेंगे इसके विषय में। लेकिन प्रेगनेंसी में अभी भी बहुत कई तरह की चीजें, जैसे कुछ बातें होती है ना जिसमें एक स्टैंप लग जाए, एक बिल्कुल एक रिकमेंडेशन हो जाए, कि गाइडलाइन हो जाए, फिर गाइडलाइन के ऐसा करना है, तो अभी प्रेगनेंसी में वो गाइडलाइन उतनी स्पष्ट नहीं बन सकी है और शायद जल्दी बन भी नहीं पाएंगी कि यूज ऑफ मेटफॉर्मिन कितना रखा जाए। तो जहां तक आप बात करेंगे जो जो डायबिटीज की एंडोक्रीन के प्रैक्टिस में ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग तो मेटफॉर्मिन को यूज काफी लंबे समय से जीडीएम में और डायबिटीज विथ प्रेगनेंसी में, दोनों में, जीडीएम अलग है, डायबिटीज विथ प्रेगनेंसी अलग है, ये ध्यान रखिएगा। जीडीएम उसकी बहुत माइल्ड अवस्था है, डायबिटीज विथ प्रेगनेंसी उसकी एक एडवांस अवस्था है, तो इनमें मेटफॉर्मिन को हम काफी प्रयोग में लाते हैं, तो इसके कारण से इंसुलिन की डोजेस भी हमारे पेशेंट्स में कम हो जाती हैं और काफी पेशेंट्स हमारे बिना इंसुलिन के नियंत्रण में आ जाते हैं। जो लोग मेटफॉर्मिन से डरते घबराते हैं और उसका कानूनी पहलू देखते हुए कि मेटफॉर्मिन यूज नहीं करनी, पहले दिन से इंसुलिन देनी है, उनको इंसुलिन जब देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में फिर काउंटर रेगुलेटरी हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उनको इंसुलिन की डोजेस काफी देनी पड़ती है, तो ऐसे केसेस में इंसुलिन की डोज ज्यादा होती है, उसके इफेक्ट के कारण से वेट गेन ज्यादा होता है और प्रॉब्लम्स अलग तरह की आती है। तो आज मेरे अनुसार, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अनुभा, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर रामदास सभी इससे सहमत होंगे कि इंसुलिन के पहले हम काफी पेशेंट्स जिनमें माइल्ड डिग्री ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया है, वहां पे बहुत सरलता से मेटफॉर्मिन को प्रयोग में ला सकते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोजेस, एकदम से झोंक कर नहीं देना है, वरना गैस्ट्राइटिस, बाउल अपसेट और वोमिटिंग, नोजिया, एनोरेक्सिया जो पहले से प्रेगनेंसी में होता है उसके साथ में उसको ये और ये एग्रेवेट कर देगी। तो इस चीज को यूज में लाते हुए और हम इंसुलिन की डोज को कम कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको कम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जी, कोई थैंक कमेंट? यू सर, बिल्कुल सही है। मेटफॉर्मिन काफी अच्छा उपयोग हो रहा है इन बोथ जेस्टेशनल एंड डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। उससे हमारी डोजेज ऑफ इंसुलिन भी काफी हद तक नियंत्रण में रहती है। डिलेमा रहता है सर, पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं जो आपने लीगल एस्पेक्ट बोला, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तक तो मेटफॉर्मिन काफी लोग सारी गाइडलाइंस ही सजेस्ट करती हैं। जब हम लेटर यूज करते हैं विद और विदाउट इंसुलिन, तो थोड़ा सा पेशेंट काउंसलिंग और अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग फॉर द वेट बर्थ वेट ऑफ द बेबी शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बाकी तो सर आपने बिल्कुल सारे बिंदुओं पे बिल्कुल चर्चा की है, तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। सर बिफोर वी क्लोज, मे आई टेक योर परमिशन फॉर वन मोर क्वेश्चन सर? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों एंड नहीं, क्यों सर नहीं? ये क्वेश्चन हमें डॉक्टर ब्रजेश कुमार से आया हुआ है, और मिलता जुलता सवाल हमें डॉक्टर शर्मा से भी आया हुआ है सर।
उनका कहना है कि अगर हमारे पास यंग ओवीस पेशेंट आते हैं तो व्हाट आर द टेस्ट जिसके द्वारा मैं ये बता कर सकूं कि ये टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है, वो क्राइटेरियाज क्या रहेंगी? बहुत सारी टेस्ट कराने के बाद भी यह डिसाइड कर पाना क्लियर कट बहुत मुश्किल हो जाता है अजो, कि वह टाइप 1 है या टाइप 2 है और उसमें। लेकिन एक बहुत ही जहां पे जैसे ये माना जाता है प्रैक्टिकली कि जो भी पेशेंट प्यूबर्टी के से पहले जिसको डायबिटीज हो रही है, तो प्रैक्टिकली उसको टाइप 1 मान के, अगर टाइप 1 नहीं भी है टाइप 2 भी है, तब भी इतने यंग पेशेंट को हमें इंसुलिन देने में कोई हर्ज नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, वह हमारे डिजीज सिवियरिटी को देखते हुए काफी लाभप्रद हो सकता है। हाँ, ओबीज है तो हम साथ में मेटफॉर्मिन दे, अलग बात है, लेकिन हमें ऐसे पेशेंट को, फिर भी वोटर को इंसुलिन थेरेपी पे और टाइप 1 की डायग्नोसिस पे ही रखना चाहिए। टाइप 2 को बहुत ही सेलेक्ट केसेस के लिए छोड़ना चाहिए। अब जहां तक बात आती है कि पोस्ट प्यूबर्टी वाले पेशेंट में टाइप 2 की संभावना अब काफी बढ़ने लग गई है, दिखने लग गई है, वहां पे हम क्या करें? तो एक जो बेड साइड टेस्ट है या ओपीडी टेस्ट है, आया पेशेंट उसका यूरिन कीटोन करवाना, यूरिन के ट्रांसफर तो जितना हमारा इंसुलिन टाइप 1 में इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी, और जब इंसुलिन डेफिशिएंसी एक मार्ग इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी, तो उससे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन एक्सेस से लाइपोलिसिस, लाइपोलिसिस से फैटी एसिड, फैटी एसिड से कीटोन प्रोडक्शन, तो कीटोसिस होगी। तो कीटोसिस अगर हमको मिल रही है तो ट्रेस 1+ तो टाइप 2 में भी मिलती है ड्यूरिंग स्ट्रेस, लेकिन अगर 3-4+ मिल रही है तो प्रैक्टिकली फिर वो टाइप 1 है। अब दूसरी चीज, यह तो हो गया हमारा ओपीडी टेस्ट। अब हमने कहा नेक्स्ट डे हम क्या टेस्ट और करा सकते हैं, तो वो एक जो नेक्स्ट डे का टेस्ट एक अच्छा होता है, वो कहा जाता है सी पेप्टाइड करा के देखो। सीरम इंसुलिन नहीं कराना, ये ध्यान रखिएगा, सीरम इंसुलिन नहीं कराना, क्योंकि इंसुलिन की हाफ लाइफ मिनट्स में होती है, 4 मिनट। तो वह सीरम इंसुलिन लेवल बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, वो कभी हमें अच्छी रिपोर्ट नहीं देता। तो सीरम इंसुलिन की जगह सीरम सी पेप्टाइड कराना है, जो कि हमें पैनक्रियाज की बीटा सेल की फंक्शनल स्टेटस को बताता है। तो सी पेप्टाइड टेस्ट अक्सर लोग क्या करते हैं, फिर अगले दिन उन्होंने कहा सी पेप्टाइड करा चला, और वो सी पेप्टाइड सप्रेस मिलता है, तो कहते हैं ये तो टाइप 1 है, या इसमें नेगलिजिबल है सी पेप्टाइड, टाइप 1 है, डायग्नोसिस कंफर्म नहीं। सी पेप्टाइड जैसे अभी बात हो रही थी कि जब सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो वह पेंक्रियाज की बीटा सेल्स को सप्रेस कर देता, बीटा सेल्स को सप्रेस, ग्लूकोटॉक्सिसिटी इतना हाई लेवल ग्लूकोज का था कि वो टॉक्सिक हो गया बीटा सेल्स के लिए, बीटा सेल्स सप्रेस हो गए, तो जिसके कारण से सी पेप्टाइड सप्रेस मिला। तो जो हाइपरग्लाइसिमिक फेज में ग्लूकोटॉक्सिसिटी की फेज में सी पेप्टाइड नहीं कराना, थोड़े समय उसको कंट्रोल करिए, जब नॉर्मोग्लाइसीमिया हो जाए 15-20-25-30 दिन के बाद, तब सी पेप्टाइड देखिए कि वह हमारा किस रेंज में है। अगर अभी भी सप्रेस है टाइप 1, अब वो बढ़ गया तो टाइप 2। तीसरा, टाइप 1 को देखने के लिए हमारे जो टेस्ट, उसके लिए ये सब तो इनडायरेक्ट पैरामीटर है। टाइप 1 की डायग्नोसिस बनती है एंटीबॉडीज पे, तो एंटीबॉडीज कब कराई जाए? तो नो डाउट अर्ली ऑनसेट, डिजीज ऑनसेट के कुछ समय में हमें एंटीबॉडीज अच्छी मिलती हैं, विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंटीबॉडीज कम होती चली जाती हैं, अच्छा नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमारे लिए जो टाइप 1 टाइप 2 में डिफ्रेंशिएट करने वाला सबसे अच्छा टेस्ट हो सकता है वो इंसुलिन एंटीबॉडी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर GAD65 एंटीबॉडी, फिर इंसुलिन एंटीबॉडी, इंसुलिन एंटीजन एंटी, इंसुलिनोमा एंटीजन एंटीबॉडी है। तो यह कुछ एंटीबॉडीज हैं जो जिंक एंटीबॉडीज वह हमारी यहाँ पे करा के हम उनको देख सकते हैं, कॉस्टली है, लेकिन कई पेशेंट एंटीबॉडी निगेटिव भी होते हैं। तो फुल प्रूफ रूप से ये कहना कि ये टाइप 1 है ये टाइप 2 है कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यूरिन कीटोन बेड साइड, सी पेप्टाइड आफ्टर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, एंड इंसुलिन एंटीबॉडीज देयर आफ्टर, ये 3 चीजें हमें इन दोनों के डिफ्रेंसिएशन में मदद कर सकती हैं। और फिर टाइप 2 अगर हम सोच रहे हैं, तब वहां पे अगर हमारे दिमाग में मोदी आ रहा है तो हम उसके लिए जीन टेस्टिंग कराएं और बाकी तरीके। जी, कोई एडिशन इसमें?
नहीं सर, नथिंग सर, परफेक्ट है, परफेक्ट। इंसुलिन इज क्वाइट सेफ। आप जब भी डिलेमा में हो तो इंसुलिन दे दे, आप गलत नहीं होंगे। ये सूत्र वाक्य है आज का, व्हेन एवर इन डाउट यूज इंसुलिन, इंसुलिन इज द स्पेशली बॉस। इन चिल्ड्रन। जी सर, ठीक है मित्रों, तो बहुत बहुत आभार आप तीनों विशेषज्ञों का, और दुर्भाग्य से आज हम लोग डॉक्टर संध्या गौतम के सानिध्य नहीं नहीं से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी विद्वता से वंचित रह गए। तो चलिए, उनको तो संयोजक हैं वो, तो चारों पांचों सेशन में रहेंगी, तो उसकी भरपाई अगले सेशन में करनी सही पड़ेगी। बात। पुनः धन्यवाद आप सबके सम्मिलित होने के लिए, थैंक यू सर, और थैंक यू अब सर, रामदास थैंक जी, और रामदास जी के यू बाद सर। फिर जी, थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। आपने काफी सरलता से हमें इंसुलिन के बारे में बताया, एंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कोर्स डायरेक्टर डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल सर को, हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रामदास शिंदे सर को, एंड डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव एंड डॉक्टर अशोक कुमार सर को। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड आपने हमें इंसुलिन के ऊपर काफ़ी सारी ज्ञान दी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने डेलीगेट्स की। आज हमारे साथ 700 डेलीगेट्स जुड़े हुए थे फॉर मॉड्यूल 1, एंड मैं उन्हें शुक्रिया बोलना चाहूंगा फॉर टेकिंग टाइम आउट फ्रॉम देयर बिजी प्रैक्टिस, और उन्होंने काफी ही इंटरेक्टिव सेशन बनाया। सर हमारे पास अभी भी बहुत सारे सवाल आए हुए हैं जो मैं आपसे 1-to-1 शेयर करूंगा, एंड सर इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा टेक्नोलॉजी पार्टनर नेटकास्ट मुजफ्फर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ मैं मैनकाइंड टीम मिस्टर पुरुषोत्तम एंड अमित गौतम जी को भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिनके द्वारा आज की ये इवेंट सक्सेसफुल हो पाए। सर हम फिर नहीं, मिलेंगे लेकिन और आपकी मैनकाइंड की टीम ने बहुत अच्छे प्रयास किए, और आप लोगों ने जो ये ग्रुप बनाया है इतना अच्छा, जो मेरी आखिरी जानकारी तक 930 के आसपास उसमें मित्र थे, 830 करीब लोग थे, तो ये बहुत बहुत एक श्रम साध्य कार्य है जिसमें आपने लोगों को जोड़ा, और वो भी इतनी अच्छी जो डेलीगेट टीम है उसको जोड़ा। तो सबके रुचि और सबका जो इंटरेक्शन इतने समय से हो रहा है ग्रुप में, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और मैनकाइंड के एफर्ट्स के लिए थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू थैंक सर, थैंक यू सर, यू सर, थैंक यू सर, थैंक ओके बाय सर, यू सर, नमस्ते सबको, नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते सर।